तो वो पागल हो नहीं जो फैन हो बचपन से तो मैं उनको चलते शोड़, चलते शोड़ सर कर दिया। कुछ को छत पे ही रहने दूर दूर छत और खिड़की पे रहने चाहिए हाँ। लेकिन <laughs> 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 इतना कोई <टेक्निकल> है नहीं। <laughs> अच्छा काम चलेगा चाहे आप कुछ भी हैश चला लो एक बायोग्राफी करना चाहता हूँ लेकिन उसके साथ साथ ये मैं कहना छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि मुझे कोई उसमें कास्ट नहीं करेगा उस बायोग्राफी में तो मेरी आर्ट का रेफरेंस आर्ट नहीं होना चाहिए मेरी आर्ट का रेफरेंस लाइफ होना चाहिए अच्छा है ना लॉजिक लॉजिक सुनने में भी एकदम ऐसा लग रहा है ना लोग धर्म से डर के ज्यादा अन्याय नहीं करते हैं कानून से इतना नहीं डरते तो धर्म की उपयोगिता पर मुझे कोई प्रश्न नहीं है और दुरुपयोगिता पे भी प्रश्न नहीं है <laughs> नहीं है <laughs> ना एक्टिंग में आगे से बड़ी कोई रेस कर गया डायलॉग्स भी स्क्रिप्ट के पढ़े थे ना तब लगा था कि यार इनमें स्वैग है कुछ <laughs> कुछ है बंदिश वेंडेड सीजन टू कंप्लीट किया मिर्जापुर थ्री कंप्लीट किया पहले अमीर मतलब विलेन होता था बाद में अमीर मतलब हीरो हो गया भाई <laughs> ना मेरी एक प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई अच्छा तो मतलब असलियत में छोड़ के मतलब दुनिया नहीं छोड़ के गई नहीं रिस्क करके आप बता रहे हैं ना अभी <laughs> आज के हमारे जिस्ट अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं उन्हें आपने कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखा है जैसे मिर्जापुर टेली क्राइम बंदिश बैंडिट्स और मुक्काबाज जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी कलाकारी की है अदाकारी की है नाम है उनका राजेश तेलंग हमने उनसे ढेर सारी बातें की हैं सिनेमा से लेकर के उनकी अपनी जो लाइफ को लेकर के सोच है जो फिलोसफी है उस पर बात की है डिटेल्ड बातचीत की है उन्होंने एक किताब लिखी है चांद पे चाय जिसमें बहुत प्यारी प्यारी कविताएं हैं हमने उनसे कविता भी पढ़वाई है तो एक लंबी बातचीत है आराम से आप चाय लीजिए कॉफी लीजिए और साथ में इस लंबी सी बातचीत का लुत्फ उठाइए कैसा अभी चल रहा है जीवन जीवन मतलब मजेदार ही चल रहा है क्योंकि तो जीवन मुझे लगता है तब अच्छा चलता है जब आप उसको एनालाइज़ करना बंद कर देते अच्छा। तो मैं जीवन को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ जी रहा हूं ज़्यादा हम एनालाइज करते हैं जब परेशान होते हैं जब सही चलता है तो एनालाइज नहीं करते तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी स्टेज है जब आप जीवन क्या है इन सवालों से मुक्त हो जाए जीवन तो जीना है पता नहीं रहना चाहिए सांस ले रहे हैं हाँ। हमें उसका जब भी आभास होने लगता है कि हम सांस ले रहा हूँ तो प्रयास है अदरवाइज तो जीवन सांस की तरह तो ये बताइए कि अभी तक तो बहुत सारे आपने करेक्टर्स कर लिए बहुत सारी फिल्मों में काम कर लिया कौन सा ऐसा रोल है जो मतलब राजेश जी को अपना किया हुआ एकदम ऐसे प्यारा है हाँ ऐसे तो मतलब क्या कहूँ हमेशा हम एक कलाकार अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है पूरी तरह से तो वो बात पहले रख देता हूँ लेकिन जो अब तक काम किया है उनमें कुछ रोल हैं जो थोड़े ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़े प्यारे हैं मतलब पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर तो अभी आना बाकी है बेहतर आना बाकी है ऐसा उम्मीद रहती है खुद से लेकिन जो किए हैं उनमें मुझे लगता है कि सिलेक्शन डे में मैंने जो मोहन कुमार का करेक्टर किया था वो मुझे बहुत प्यारा है मुझे सिद्धार्थ फिल्म में जो महेंद्र सैनी का करेक्टर किया था वो बहुत प्यारा है तो अगर आप दो नाम कहें तो ये लूँगा किस तरीके के रोल से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्या उसके पीछे की क्या प्रोसेस होती है कि मतलब आप अपने व्यक्तिगत जैसे आप हैं नेचर से क्या आप उससे कनेक्ट करके समझते हैं कि यार ये रोल मुझे अच्छा लगा या फिर क्या वजह रहती है ऐसे जब आप अपनी पसंद का रोल बता रहे हैं तो उन किरदारों में क्या ऐसा ख़ास है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है मैं इन दोनों का ही उदाहरण देता हूँ शायद और समझने में आसानी हो जाए वो ये कि अब ये दोनों ही किरदार ऐसे थे जो एक टीनेज बच्चे के बाप हैं जैसा कि मैं खुद हूँ और लेकिन दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ फादर हैं और ऐसे फादर हैं जैसा मैं नहीं हूँ फादर के तौर पे। तो तो उनके बेसिक जो मूलभूत चीज़ है बच्चों की बेहतरी चाहना उनके लिए प्यार वो तो आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है लेकिन वो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है उनका प्यार वो अलग अलग होता है हर चरित्र का तो इस तरह से तो एक अभिनेता के तौर पे मतलब ये तो उदाहरण की बात रही लेकिन एक अभिनेता के तौर पे कोई भी चरित्र आप जब कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ समानताएं है होती हैं और कुछ असमानताएं है होती हैं तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि यह किसी भी अभिनेता को देखना पड़ता है या दिखता है आमतौर पर कि यार ये कुछ चीज़ें हैं जो जो इसके ट्रेट्स हैं वो मुझसे मिल खाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं खाते हैं तो उन दोनों का पहले फ़र्क दिमाग में आ जाए तो आपको आसानी रहती है उसके अलावा जब हम अपने आप को एक इंसान के तौर पे खंगालते हैं तो हम हमारे अंदर अच्छाई बुराई हीरो विलेन कॉमेडियन सब पाते हैं तो उसको खोजना होता है तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मैं अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसमें मेरा अंश नहीं है उसमें मेरा अंश भी है क्योंकि वो नेगेटिव ट्रेट्स कहीं ना कहीं मेरे अंदर होंगी जिनको मैं चाहे दबा लेता हूँ या संयम से रहता हूँ लेकिन एक एक्टर के तौर पे अपने आप को क्या कहना सच्चाई से अंदर से झांक के देख पाना पहले ज़रूरी है चरित्र तक पहुँचने के लिए अच्छा अगर मैं इसको समझना चाहूँ आपसे कि जब कोई किरदार आप निभाने वाले होते हैं आपको पता चलता है कि इस किरदार को निभाना है सबकी अपनी अपनी प्रोसेस है उसको निभाने से पहले की आप एक दूसरे रोल में जा रहे हैं जो आप हैं नहीं और पर्दे पे आपको दिखना है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है मतलब पूरी प्रक्रिया मैं समझना चाहता हूँ कि आप शुरुआत से लेकर के कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं फिर जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब आपके जहन में आपकी वो प्रोसेस क्या होती है ये हमेशा समान नहीं होती वो डिपेंड करता है कि चरित्र कैसा है और जिस निर्देशक के साथ आप काम कर रहे हैं वो किस प्रोसेस में आपको डालना चाहते हैं क्योंकि अलग अलग निर्देशकों की अलग अलग क्या कहें न अप्रोच होती है काम करने की तो वो हमारे एक्टर को उनकी अप्रोच में ढलना बहुत ज़रूरी है हर निर्देशक का एक प्रोसेस है उस प्रोसेस से मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता एक कलाकार के तौर पे आइडियली नहीं जाना चाहिए एक तो ये और दूसरा बहुत से चरित्र पे निर्भर करता है क्योंकि आमतौर पे देखिए कई चरित्र ऐसे होते हैं जिनको जिनके लिए आपको कोई स्किल डेवलप करनी पड़ती है आप समझ रहे जैसे बंदेश वैंडिट में चाहे हमको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या सिंगिंग वो एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है ना उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए मैं पूरा संगीतकार नहीं बन सकता चाहे या पूरा मृदंग या पखावज बजाने वाला नहीं बन सकता लेकिन वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक और कन्वेंसिंग लगे इसके लिए मुझे स्किल डेवलप करनी पड़ेगी तो करनी पड़ती है जी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है चाहे एक छोटी सी बातों बंदूक को पकड़ना या गोली चलाना है ना ये ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्किल्स हैं आ, जैसे सिद्धार्थ फिल्म में मैंने जो चरित्र किया था वो चरित्र था दिल्ली की सड़कों पे वो मेगाफोन लेके घूमते रहते हैं ना जो चेन ठीक करा लो जिपर फिक्सर्स जो हैं है ना वो चरित्र किया था मैंने तो उसके लिए मुझे चेन ठीक करना सीखना पड़ा मतलब वो कोई बड़ी कला नहीं है तो मैं तीन दिन उनके साथ असिस्टेंट बनके घूमा लक्ष्मी नगर की गलियों में कादिर भाई का उनका बैग संभाल के और उनसे पूरा कुछ सीखा कि तो आज की डेट में आपकी कोई चेन खराब हो तो ठीक कर सकता हूँ अच्छा <laughs> तो चाहे बैग की पेंट की जिप की फ्रॉक की जो बोलते थे वो तो ये स्किल डेवलप की उनका जीवन को समझने की कोशिश की तो ये मेथड एक्टिंग की तरह से नहीं है कहने को ये मेथड एक्टिंग हो सकती है लेकिन ये मोर ऑफ उनके साथ एम्पेथाइज करना उनके सुख दुख को समझने की कोशिश है और स्किल को जानने की तो हर कैरेक्टर की अलग स्किल सेट होता है और उसका प्रोफेशन क्या है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है तो कैरेक्टर को लेके अप्रोच अलग अलग होती हैं कुछ चीज़ें चरित्र जब आप निभा रहे होते हैं तो स्क्रिप्ट में मिलता है कुछ चीज़ें चरित्र बोल रहा होता है कुछ चरित्र के आसपास के चरित्र उसके बारे में बोल रहे होते हैं कुछ निर्देशक बोलता है कुछ लेखक ने कहीं डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो होता है लेकिन फिर भी कुछ गैप्स रह जाते हैं उनको आपको फिल करना पड़ता है अपनी इमेजिनेशन से उसकी एक बैक बना बनानी पड़ती है थोड़ी दी होती है थोड़ी नहीं हो तो बनानी पड़ती है। तो इस तरह के चरित्र के लिए हमेशा अलग अलग तरीका है कि एक बाहरी तैयारी है उसकी और एक आंतरिक तैयारी है उसकी चरित्र की तो हर बार जैसे जब ये आप प्रोसेस जो आपकी है कि आपने पहले उसके साथ गए आपने तीन दिन ऑब्जर्व किया समझा उनके साथ, साथ काम किया काम तो क्या हर रोल करने के पहले इतना वक्त मिल पाता है क्योंकि आप हमको तो स्क्रीन पे मिल दिख रहा है लेकिन आपके लिए तो वो एक काम भी है कि आप उस आपका प्रोफेशन है आप उसे कर रहे हैं तो क्या इतना समय आपको हर रोल में इत, इतना स्पेस मिलता है कि आप उस चीज को एकदम समझें फिर उसको फॉलो करें या कभी कभी नहीं भी मिल पाता हमेशा नहीं मिलता हमेशा नहीं मिलता और हमेशा जरूरत भी नहीं होती अच्छा है ना अब मैं कोई वकील का चरित्र निभा रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कोई बहुत स्किल सेट नहीं करना ना जो फ़िज़िकल स्किल सेट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए मुझे सिर्फ वकालत कैसे की जाती है उनके क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आसान हो जाए मेरी ज़बान पे उस तरह की चीज़ें हैं कुछ कोर्ट वोट का माहौल थोड़ा आइडिया होना चाहिए जो आपके जीवन इतनी जीवन जीने के बाद उन सबसे आपका सबका पढ़ चुका होता है बहुत सारे अनुभव से तो वो है तो हमेशा ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमेशा वक्त भी नहीं मिलता लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है इसलिए मैं कह रहा हूं कि निर्देशक पे भी डिपेंड करता है बट कई बार आपको बोले बहुत जरूरी होता है। जैसे बंदिश बैंडेड का मैं फिर उदाहरण दूंगा क्योंकि वो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो जल्दी नहीं आ सकती है आपको तो उसके लिए सभी एक्टर्स ने बहुत वक्त से मेहनत की पहले सीजन में भी और सेकेंड सीजन में भी तो वो दिखाई देता है जब वो बंदूक की बात कर रहे थे तो मुझे अचानक से वाला सीन याद आ गया जिसमें कि मिर्ज़ापुर का जिसमें आप शायद कोर्ट में ही हैं वहाँ बैठे हुए हैं और वो आकर के बगल से चाकू आपको दिखाता है फिर आप जो बंदूक निकालते हैं खैर हम इस पे भी आएंगे मिर्ज़ापुर पे तो खैर आएंगे ही बातचीत करेंगे उससे पहले बीकानेर दिल्ली मुंबई कई सारे शहरों में आप रहे हैं कई सारी जगहों पर घूमे हैं का पसंदीदा जगह कौन सी है कहाँ दिल लगता है मेरे तीन प्रिय शहर हैं बीकानेर दिल्ली और बम्बई जिनको मैं समान रूप से प्यार करता हूँ और लगभग जीवन के समान वक्त इक्वली डिवाइडेड वक्त गुजारा है मैंने तीनों शहरों में तो शुरुआती यादें तो बीकानेर शुरुआती बचपन गुजरा वहाँ पे फिर कैसा दिल्ली, थोड़ा कैसा था एनवायरनमेंट बहुत ही मतलब मजेदार था मुझे लगता है कि वो आज अगर जरा सा भी कुछ सोचने की कुत है या कुछ कुछ टेढ़ी खोपड़ी है या कुछ थोड़े से भी क्रिएटिविटी के कोई कतरे हैं वो उस माहौल की वजह से हैं कि मैं जिस मोहल्ले में पला बढ़ा वो गोस्वामी चौक कहलाता है और एक ही समाज के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोग कलाकार हैं और उनमें कलाकारों में भी ज़्यादातर लोग संगीत के हैं लोग हैं उसके अलावा जर्नलिस्ट भी हैं लेखक भी हैं पेंटर्स भी हैं और भी कलाओं से जुड़े हुए लोग हैं कार्टूनिस्ट भी बहुत सारे हैं मेरे ब्रदर कार्टूनिस्ट थे और हाँ तो वो उस माहौल ने बड़ा मुझे दिया क्रिएटिविटी में साथ ख़ास तो पे घर में ऑब्वियसली क्योंकि घर में पिताजी फिल्मों के बड़े शौकीन थे देखने के हाँ देखने के मतलब करने के तुम्हें तो ऑब्वियसली वो नहीं जा पाए कभी उनकी इच्छा रही होगी मैंने पूछा नहीं कभी अच्छा। <laughs> लेकिन लगता है था कि उनकी इच्छा रही होगी गुरुदत्त के बड़े शौक फैन थे वो तो गुरुदत्त की बहुत सारी फिल्में दिखाते थे फिर हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी तो सारे सिनेमा हॉल के टिकट हमारे यहाँ छपते थे बीकानेर के तो बहुत सारी फिल्में मैंने उनके साथ जाके फ्री में देखी हैं ज्यादातर प्रोजेक्शन रूम में विंडो में बैठ के जो प्रोजेक्शन रूम से फिल्में देखी है मैंने बचपन में बहुत सारी तो उन्होंने फिल्मों का एक अलग जादू और रोमांटिसिज्म पैदा किया तो उसका असर रहा hmm. फिर ये कब डिसाइड किया कि क्योंकि आ, सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो मेन स्ट्रीम नहीं है मतलब हम अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग वगैरह तो बचपन से हो जाती है कि हाँ भाई मैथ्स ले लेंगे ये कर लेंगे बायो कर लेंगे तो सिनेमा ये एकदम मेन स्ट्रीम नहीं है तो फिर उसमें दाखिल होने की तो एक प्रोसेस होती है कि कैसे कैसे हम आए कन्वेंस करना क्या करना पड़ा घर परिवार में कैसे लोगों को कन्विंस किया कि भाई मैं करना चाहता हूँ नहीं घर परिवार में कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ज़्यादातर तो लोग कलाकार थे तो आप किसी भी कला क्षेत्र से जुड़ना चाहते हो तो वो लोगों को खुशी ही होती है जैसे मेरा बेटा अगर कोई आर्ट के फील्ड में जाएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी बजाय इसके कि वो कोई इंजीनियरिंग करे या कुछ वो करे बिल्कुल उल्टा है मैं। मुझे खुशी होगी वो बोलेगा तो मुझे दुख होगा क्या कर रहा है ये ऐसा वाला होगा मेरा तो वैसा ही मेरे परिवार में था और शायद उन्होंने हम लोगों को इस लायक कभी माना नहीं कि ये पढ़ाई कर सकते हैं <laughs> कैसे थे आप <द्याप> पढ़ने में <laughs> पढ़ने में ठीक था ठीक था मतलब ऐसा बुरा नहीं था मैथमेटिक्स में बी एस सी मैंने अच्छा क्योंकि मैं खुद इनिशियली साइंटिस्ट बनना चाहता था तो पढ़ाई में ठीक था लेकिन ध्यान नहीं दिया मैंने और घर वालों को कभी लगाने की पढ़ाई ठीक से कर पाएगा तो बचपन में ही थिएटर शुरू कर दिया था कितना बचपन मतलब पहला नाटक कर लिया होगा जब मैं 12 साल का रहूँगा हम्म जी और उसके बाद 14 15 साल की उम्र से भैया यहाँ रहते थे दिल्ली तो हुँ. गर्मियों था था। तो की छुट्टियाँ बिताने यहाँ आता था तो यहाँ एनएसडी की वर्कशॉप होती है बच्चों की वो ज्वाइन कर ली बाल भवन में वर्कशॉप होती है वो ज्वाइन कर ली तो हर समर वेकेशन में यहाँ पे कोई वर्कशॉप करके जाता था दिल्ली में और बीकानेर जाके फिर जो मेच्योर थिएटर करता था तो इस वजह से मुझे दोनों जगह का एक्सपोजर मिला थिएटर का प्लस मुझे पता चला कि एन कर लेने से आगे बढ़ने की संभावना है सीखने की संभावना है और उसके लिए क्या प्रोसेस है मुझे पहले ही आइडिया हो गया था तो थिएटर का कल्चर था जी जी अच्छा कल्चर था अच्छा थिएटर होता था ठीक ठाक अभी भी होता है तो एन आपको बहुत मतलब शुरुआत में ही क्योंकि एन तो एकदम ऐसे मतलब मुझे पंद्रह साल की तो उम्र में एन के बारे में पता चल गया क्योंकि एन में ही आके एक वर्कशॉप की बच्चे के तौर पर तो आपको तब ये पता था कि एन का क्या मतलब एन एस का क्या मतलब है पता चल गया एन का कोर्स कैसे करना है ये पता चल गया कि दस नाटक हमारे जमाने में दस नाटक जरूरी होते थे आजकल कल छः हैं तो दस नाटक करना है ग्रेजुएट होना है तो मैंने सोचा चलो इसका इस वक्त का ये इस्तेमाल करते हैं कि दस नाटक करते हैं ग्रेजुएट होते हैं किसी तरह से और एन ट्राई करेंगे तो दस से ज़्यादा नाटक कर लिए तब तक पंद्रह नाटक कर लिए करीब और एन में दिया एग्ज़ाम और आगे वर्ष पहली बार में ही हो गया तो इस तरह से ज़िंदगी चल पड़ी और ये एन आपका बार? 90 नाइन्टी से नाइन्टी थ्री से नाइन्टी थ्री हाँ फिर एन एस डी आए तो किस तरीके से जिंदगी बदली और क्या क्या बदलाव हुए लाइफ में मतलब बदलाव है सच कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं तो वही जिंदगी एक तरह से जी रहा था थिएटर कर रहे थे पूरा वक्त उसी में गुजरता था कॉलेज में कभी जाते थे तो कोई अटेंडेंस कभी कोई कभी भी पूरी नहीं हुई होंगी मतलब कई बार तो टीचर कभी चले जाते थे भूले बटके तो पूछते थे कौन हुआ है तुम एन में नहीं जब कॉलेज में तो सारा वक्त तो थिएटर को ही दे रहे थे तो उस वक्त जैसे तैसे कर लिया कॉलेज ठीक ठाक नंबरों से किया ऐसा नहीं बहुत बुरे थे लेकिन हाँ आज के ज़माने में बहुत बुरे नंबर कहलाएंगे अब तो नंबर क्या नंबरों तो आसमान छुरे तो वो जैसे तैसे कर लिया था तो कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ जो हम पूरा शाम थिएटर को देते थे वो पूरा दिन दे रहा था एन आने के बाद तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या एन आने के बाद जो स्किल सेट है क्योंकि आप थिएटर तो कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सिखाया जा रहा है आप लर्न कर रहे हैं रोज़ एक्ट कर रहे हैं अगर तो एन आने के बाद उस क्राफ्ट में कितना बदलाव आ जाता है और वो माहौल क्या आपको कुछ देता है बिल्कुल क्राफ्ट में बहुत बड़ा बदलाव आता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है आप एक्टर होते हैं तो जब थिएटर कर रहे होते हैं तो आपको मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है मेच्योर थिएटर में लेकिन यहाँ पे सीखना भी है कि लाइट कर रहे हैं तो लाइट कैसे की जाती है उसका क्या इतिहास है लाइट की क्या टेक्निकल चीज़ें हैं सेट डिज़ाइन हर चीज़ की तो वो तो होता ही है प्लस एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड ड्रामा का है ना हमारे इतिहास का पूरा कि संस्कृत प्लेज ग्रीक प्लेज पूरे वर्ल्ड थिएटर की हिस्ट्री और और अलग अलग टीचर्स जो विदेश से भी आते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है और बहुत बड़ा एक्सपोजर ये होता है कि एन की, की हर क्लास एक मिनी इंडिया होती है कि लगभग हर स्टेट से एक व्यक्ति होता है आपके साथ आपका क्लासमेट तो जो मैं बीकानेर में रहते हुए थिएटर कर रहा था तो मणिपुरी असमीज लोगों के बारे में ना मैं जानता था ज़्यादा थोड़ा बहुत जो देखा सुना टीवी पढ़ा वो ही था उनसे इंटरेक्ट करना तो बहुत सारे आपके जो बंधन होते हैं ना दिमागी वो खाली इतने इंट्रैक्शन से ही खुल जाते हैं बहुत सारी भाषाओं के बारे में आपको जानने को मिलता है बहुत सारे कल्चर के बारे में और खासतौर पे वो आपके दोस्त होते हैं तो और सीखने को मिलता है तो टीचर्स के अलावा यही एक बहुत बड़ी शिक्षा है कौन कौन था आपके एन में बैच में बैच में हमारा आजकल छब्बीस लोग लेते हैं तब बीस लोग हुआ करते थे तो बहुत सारे लोग थे मतलब आगे अभी जिन लोगों को आप शायद जो फिल्मों में काम कर रहे हैं इसलिए उनको जानते होंगे इस वजह से उनका नाम ले लेता हूँ अदरवाइज़ हर कोई व्यक्ति अपने अपनी चयनित क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं है ना आदिल थे आदिल हुसैन अनूप सोनी जाकिर हुसैन हरीश खन्ना चितरंजन गिरी और बहुत सारे लोग हैं अर्चना श्रीवास्तव हमारे राजस्थान ड्रामा डिपार्टमेंट की हेड हैं विद्यानिधि बनारसी पुणे में बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं रॉयस्टेनेबल वहाँ पे कर रहे हैं केरल में हैं बेस्ड लेकिन पूरी दुनिया में करते हैं वो थिएटर और ऐसे करके काफ़ी लोग थे तो एन में पहले तो पढ़ा एन में आपने पढ़ाया भी हाँ बहुत गैप के बाद बहुत कालांतर में तो पढ़ाने का अनुभव कैसा रहा और किन सरकमस्टेंसेस में आप पढ़ाने एन आए तो भी समझ मैं दरअसल क्या है कि आ, मुझे लकी ये रहा कि एन से निकलते ही मुझे काम मिल गया और अक्सर बॉम्बे लोग जाके काम ढूंढते हैं मैं काम लेके बॉम्बे गया अच्छा। तो पहला सीरियल था डेली सोप था इंडिया का डेली शांति तो शांति एन के बाद 94 में शुरू हुआ था 15 अगस्त 94 देखिए अभी लगभग लग एग्जैक्टली लग, exactly वही महीना चल रहा है तो वो हुआ लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं अब एक डेली शो कर रहा हूँ टेलीविज़न नहीं करूँगा फिल्में ही ट्राई करूँगा तो फिल्में की बात बातशाह लेकिन कोई अच्छा क्या कहें मौका नहीं मिला और टेलीविज़न नहीं करने का निर्णय लिया था और एक वक्त ऐसा आया जब करने की मजबूरी लगी कि करना चाहिए अब करना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए तो पता चला तब तक बालाजी पोस्ट बालाजी कहता हूँ मैं जो कि अलग तरह के सीरियल बनने लग गए थे जिसमें हमारे जैसे चेहरों की कोई जरूरत नहीं थी नहीं। तो टेलीविजन में भी काम नहीं मिला अच्छा जी तो फिल्मों में कुछ अच्छा हुआ नहीं टेलीविजन में कुछ अच्छा मिला नहीं अच्छा तो छोड़िए मिला ही नहीं तो फिर मैंने सोचा कि खुद क्योंकि मेरे ब्रदर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते रहते थे तो, तो उनके साथ डायरेक्ट करने लगा तो दिल्ली आके कुछ डायरेक्शन का काम करने लगा आना। ये हम 94 ये, से कहां ये, था लोग पहचानते थे लेकिन टेलीविजन अखबार की तरह होता है ना अगले दिन रद्दी हो जाता है लोग चाट पकौड़ी खाते हैं ना वैसा वाला होता है वो तो सीरियल बन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है फिल्में नावल की तरह होती है ना जिसको आप संभाल के रखते हैं बार बार पढ़ते हैं याद रहता है पलट तो, के देखते हाँ पलट के देखते हैं उसकी शेल्फ लाइफ है टेलीविजन की कोई शेल्फ लाइफ नहीं तो आप तीन साल बढ़े ही बढ़े ही अच्छा कर रहे हो और वो बंद हुआ उसके बाद आपको कोई याद नहीं करेगा अगर आप और कुछ ना कर रहे हो तो इन तीन सालों में आप फिल्मों के लिए अप्रोच कर रहे थे फिल्मों के लिए अप्रोच कर रहा था मैंने गोविंद नीला जी के साथ मेरी पहली फिल्म की नाइन्टी में जिसका नाम था हजार चौरासी की माँ और पहली ही फिल्म में मैंने अच्छा चरित्र किया था वो मतलब ठीक ठाक चरित्र था वो इम्पोर्टेंट चरित्र था आ, और मैं छब्बीस साल का रहूँगा छब्बीस सत्ताईस साल का और मैंने उसमें एक पैंसठ साल के बूढ़े का करेक्टर किया था फर्स्ट फिल्म में सीमा विश्वास के हस्बैंड का लेकिन अब वो फिल्म आठ फिल्म थी हर जगह जाती नहीं ऐसे करके कुछ और फिल्में भी की थी तो इन सब चीज़ों से जैसे अभी तो ये है कि इंसान मतलब डायरेक्टर्स देख रहे हैं काम आपका जो स्क्रीन पे आता है फिर उस आधार पे आपको अप्रोच करते हैं कि आप ये रोल ले लीजिए तो ये जो शांति आप कर रहे थे जो कि एक अच्छा सीरियल भी था मंदिरा बेदी जी तो उसके बाद क्या उससे लोग नहीं अप्रोच कर रहे थे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि नहीं उससे अप्रोच कर रहे थे ना टेलीविजन में कर रहे थे टेलीविजन लेकिन मैंने ये निर्णय ले लिया कि तीन साल तो मेरे को ये डेली सोप है मेरे पास हाँ तो मुझे और टेलीविजन क्या करने की जरूरत है सर्वाइवल है और एक टेलीविजन का सीरियल है बाकी फिल्में ट्राई करता हूं क्योंकि असली में तो हम फिल्में ही करना चाहते थे लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब फिल्मों में पांच सात फिल्में करने के बाद भी नहीं। नहीं। कोई अच्छा मौका नहीं मिला दो सीन चार सीन दो सीन चार सीन जैसा रह गया या हीरो के दोस्त वाले कैरेक्टर्स ऑफर होते थे तो या इंस्पेक्टर लॉयर इस तरह के Uh, क्या भर भरपाई के लिए भर्ती के करेक्टर मिलते थे है ना तो तो फिर सर्वाइवल की भी दिक्कत होने लगी वो बंद हो गया था तब टेलीविजन भी 98 99 तक आते आते बालाजी वाला जो एक अलग मतलब तो उन्होंने जो किया उनसे कुछ नहीं है लेकिन उसकी वजह से क्या बदलाव हुए मैं बता रहा हूँ इफेक्ट तो उस वजह से हमारे जैसे एक्टर्स के लिए कोई काम बचा नहीं या मुझे तो नहीं मिला हमारे जैसे कर नहीं कहूँगा तो उस समय क्या एम्बिशन था आपका जब ये तब मुझे लग रहा था यार टेलीविज़न तो कर लूँ कुछ सर्वाइवल हो जाएगा और कुछ कुछ और जगह तक पहुँचे फिल्में देखी जाएगी साथ साथ में कर लेंगे लेकिन वो दोनों ही नहीं मिले फिल्मों में मिलता था लेकिन वो दो सीन चार सीन वाला उस, उस तो उससे मैं परेशान हो चुका था वो मुझे नहीं करना था तो फिर मैं डायरेक्शन करने लग गया क्योंकि ब्रदर के साथ डॉक्यूमेंट्रीज एनिमेशन फिल्म्स वगैरह पहले से करता रहा था तो डायरेक्शन करने लग गया तो इंडिया इज मोस्ट वीबी एपिसोड और कुछ और दिल्ली आ गए आप दिल्ली आके तो ये जो बॉम्बे से दिल्ली ये आना मैं मैं आपको ये स्टोरी है क्योंकि मैं दो बार बॉम्बे गया हूँ और दो बार दिल्ली रहा हूँ जंक्स में अगर कहें तो उसके बाद मैं फिर फिर वापस गया बॉम्बे अच्छा टू में से 2004 तक फिर और कुछ फिल्में की मैंने और कुछ सीरियल भी किए तो लेकिन तब भी मजा नहीं आया तो मैं 5 6 में फिर वापस आ गया परमानेंटली तो जब ये आप दिल्ली आ रहे थे तो वो उस फेज में आप आ रहे थे जब आप वहां सेटिस्फाइड नहीं थे कि वो जो हम करना चाह रहे हैं वो चीज नहीं वो ऐसा नहीं, तो नहीं हो हाँ। तो ये आसान तो नहीं होती है ये प्रोसेस कि आप एक एक चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही और सब लगातार आप मेहनत कर रहे हैं आप वही हैं क्राफ्ट वही है सब कुछ वही है तो उस चीज़ से उस फेज से कैसे क्या डील कर रहे थे आप उस, उस वो थोड़ा सा दौर आप अगर एक्सप्लेन कर सकें मुझे यह लगता है मुझे तकलीफ सिर्फ होती है या तो जब सर्वाइवल में ही दिक्कत हो कि बेसिक सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है उससे बड़ी तकलीफ़ क्या होगी है ना और या ऐसा कि आप इवॉल्व नहीं हो रहे तब तकलीफ होती है मौके तो कम और ज्यादा मिलते रहेंगे कभी कम मिलेगा कभी ज्यादा मिलेगा आप एक बेहतर इंसान बेहतर चरित्र बेहतर भे, भे, कलाकार बन रहे हो नहीं बन रहे हो वो ग्रोथ रुकती है तो तकलीफ होती है तो उसकी वजह से अपने आप को और एस्पेक्ट्स में एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने कि अपनी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि एक वो तब तक ऐसा वक्त था जब मेरे बॉम्बे में घर था तो सर्वाइवल अगर चार दिन भी शूटिंग कर लूँ तो हो गया काम लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही इवॉल्व नहीं हो रहा अंदर से मैं वो तकलीफ ज़्यादा थी तो उस वजह से मैं ये अलग अलग चीज़ें करता रहा तो फिर ये डायरेक्शन का एक दौर रहा फिर मैं वापस गया बॉम्बे फिर भी फिल्में फिल्म कुछ कुछ सीरियल भी किए लेकिन कोई वर्थफाइल नहीं तो मैं फाइव सिक्स में वापस आ गया दिल्ली और मैंने ये तय किया कि मैं दोबारा से थिएटर करूंगा अच्छा और इस दरमियान इस दौरान कर... थोड़ा बहुत थिएटर किया ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं किया लेकिन रेगुलरली नहीं कर पाया तो फाइव में आके मैंने सोचा फाइव सिक्स के दौरान कि मैं दोबारा से थिएटर करूंगा अपने आप को पूरा री करना है नए सिरे से, से अपने आप को तैयार करना है तो मैंने दोबारा से थिएटर शुरू किया और उसी थिएटर शुरू करने के दौर में पढ़ाना भी शुरू किया तो मैं रंगमंच करता रहा और पढ़ाता भी रहा <coughs> तो मेनली मैं डिक्शन वॉइस एंड स्पीच और एक्टिंग पढ़ाता रहा तो ये धीरे 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 मैंने अपना आपको उस तरह से और पढ़ाने में मतलब जितना मैंने सिखाया लोगों को लगभग उतना ही सीखा उनसे है अच्छा। ना क्योंकि यूथ से इंटरेक्शन का मौका मिलता है आपको और नई नई चीज़ें अपने आप को अपडेट रख पाना और वो पढ़ाना बहुत ही अच्छी कला है मतलब अगर आप आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो कैसे दूसरे को क्लियर करेंगे तो उस वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ तो आपने थिएटर भी किया आपने टीवी सीरियल भी किया और फिल्म भी की, फिल्में की और ओटीटी तो क्या सबसे मतलब ऐसी चीज लगती है आपको क्योंकि एक आपने तो पूरा एक फेज देख लिया है ना आपके सामने सब चीज़ें बदली हैं लगातार इतने समय से आप तो बेस्ट क्या लगता है कौन सा मीडियम आपको सबसे अच्छा लगता है जिसमें एज एन एक्टर आप खुद को सबसे अच्छे से आ, पेश कर पाते हैं देखिए सबसे अच्छे से पेश कर पाते हैं आप मतलब अच्छे से पेश अगर सीरियल एक ज़माने में ऐसे अच्छे बनते थे उसमें भी लोग अच्छे से पेश कर पाते थे लेकिन फिलहाल जिस तरह के सीरियल बन रहे हैं उसमें अपने आप को अच्छे से पेश नहीं कर पाएंगे आप और फिलहाल के जो काम हैं उनमें ओ टी टी में भी आप कर सकते हैं फिल्मों में भी कर सकते हैं थिएटर में भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल सीरियल्स जिस तरह के मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी कलाकार अपने आप को पूरा एक्सप्लोर कर पा रहा है वो कमर्शियल बंधनों से इतना बंधा हुआ है कि वो चाह के भी उनके पास शायद वो स्पेस नहीं है ओ टी टी के आने से क्या कितना आपको लगता है कि स्पेस और जनरेट हुआ है जो बहुत ज़्यादा हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि ओ के आने से एक तो ये मौका मिला कि वो वो एक ऐसा माध्यम बन पाया जो जिसमें फिल्म की अच्छाइयाँ भी हैं और और सीरियल की तरह से एक लंबा फॉर्मेट भी है क्योंकि इतना लंबा फॉर्मेट है कि फिल्म दो ढाई घंटे की होगी और ओ का हर काम कम से कम आठ नौ घंटे का है तो उसमें जो जो स्टोरी है उसके प्लॉट्स उसके सब प्लॉट्स पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा और सारे चरित्रों को जो सपोर्टिंग बोलते हैं करेक्टर्स वैसा सपोर्टिंग करेक्टर्स तो कुछ होते नहीं करेक्टर्स होते हैं तो हर करेक्टर को आ, आप एक बिगनिंग मिडिल एंड उसका एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं उसके सुख दुख पे भी आप यात्रा कर सकते हैं अदरवाइज फिल्म में क्या होता है कि सिर्फ हीरो के सुख दुख पे है कहानी बाकी लोगों की तो कोई भावना ही नहीं है है ना उनके सुख दुख मायने नहीं रखते हैं तो इसमें ये हुआ कि बाकी चरित्रों के भी सुख दुख मायने रखते हैं और वो एक्सप्लोर कर पाते हैं तो आपको अगर ही कि मुख्य किरदार नहीं है आपके पास आप प्रोटेगनिस्ट नहीं है नायक नहीं है कहानी के उसके बाद भी आप अपने हिस्से की कहानी के नायक हैं क्योंकि वो वो विंडो मिल रही है आपको। जी एक्सप्लोर करने के लिए इतना फॉर्मेट ये अलाउ कर रहा है आप देखते हैं OTT? मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता हाल कुछ वक्त की वजह से और कुछ मेरा शौक भी नहीं है अच्छा हाँ। मुझे फिक्शन देखने का ज्यादा शौक नहीं है एक जमाने में बहुत देखा पूरी फिल्म हिस्ट्री देखी पढ़ी सुनी लेकिन अभी पता नहीं मुझे फ़िक्शन अट्रैक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ और बाकी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरे मतलब मेरी आर्ट का रेफरेंस आर्ट नहीं होना चाहिए मेरी आर्ट का रेफरेंस लाइफ होना चाहिए तो न चाहते हुए भी कहीं सबकॉन्शियसली वो इफेक्ट आ जाता है तो इस वजह से नहीं ये मैं अपने आप लॉजिक बाद में बना रहा हूँ हाँ। तो हाँ। तो 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 <laughs> पिछले कुछ वक्त से मैं ऐसी लॉजिक ही <laughs> तो हो सकता अच्छा है ना लॉजिक लॉजिक सुनने में भी एकदम ऐसा लग रहा है ना तो वैसे लास्ट क्या अभी आपने देखा हाल फिलहाल में कुछ ऐसा अभी तो मैंने देखे हुए बहुत वक्त हो गया मैंने शायद लास्ट में दो एक तो दो एकदम अलग अलग किस्म के एक अमीर फिल्म और एक, एकदम एक गरीब चालू फिल्म है एक सुबह की फिल्म है जो मॉर्निंग शोज देखते कभी कहते थे ना छोटे शहरों में वो दोनों का माहौल देखा सिनेमा मरते दम तक

Uh, खुद को इस स्क्रीन में देख के ऐसा लगता है जैसे मतलब मैं अवॉइड ही करता हूं <laughs> इसके पीछे भी एक अच्छा वाला लॉजिक बताइए जैसे वो बनाया था आ, ऐसे आ, बनाया आ, मैं वो ये कि हम लोग थिएटर के एक्टर हैं तो व्हेन <laughs> तो हाँ वी आर परफॉर्मिंग इन थिएटर वी कैन नॉट सी अवर बट वी नो हाउ वी आर परफॉर्मिंग तो क्यों देखें यह भी एक लॉजिक अच्छा है <laughs> ये भी बात का बनाया हुआ लॉजिक करते रहिए <laughs> ये बात का बनाया हुआ लॉजिक है <laughs> जैसे एक मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग का भी क्योंकि कैमरे का ही काम है तो जब अगर मेरे सामने मेरे घर वाले भी अगर चला देते हैं ना कोई मेरी रिपोर्ट चला दी तो मैं कहता हूँ प्लीज मेरे कान में मेरी आवाज मत जाने तो इसे बाद में देख लेना <laughs> लेकिन कई बार देखना पड़ता है जैसे मैं आमतौर पर बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो शूटिंग कर रहे हैं तो बार बार मोनिटर पर देखते हैं कैसा शॉट गया कैसा गया वो मेरी आदत नहीं है कभी कभार देख लेता हूँ या डायरेक्टर ये कभी दिखा दें कि यार देख लो ये ये वाला थोड़ा सा ऐसे देखना है समझाने के लिए तो देख लिया अदरवाइज़ मैंने कर दिया मुझे लगता है कि अगर उन उनको पसंद आ गया कैप्टन ऑफ द शिप को और या मुझे लगा कि कुछ है तो आई कैन आस्क फॉर अनदर टेक अदरवाइज यूँ देखने का ज़्यादा मन नहीं करता मुझे देखने के बाद ये भी लगता हो मतलब कभी कभी ऐसा फील होता होगा हो ना कि यार ये ऐसे हो सकता था हाँ वो हमेशा ही लगता रहेगा ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा तो आपको करते रहना है वो अंदर से एक आवाज आ जाती है कि सही था कि नहीं था कैसी है इंडस्ट्री मतलब आ, इतने वक्त आप उस इंडस्ट्री में हैं और हमारे देश के इतने सारे लोग देखते हैं आप लोगों को आ, बहुत सारा नैरेटिव बनता है सिनेमा से समाज का तो एक इंपॉर्टेंट रोल है मतलब डेमोक्रेसी के पिलर में बोला भले ना चाहता हो जैसे मीडिया को बोल दिया जाता है बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सिनेमा है तो पिलर मतलब सिनेमा दिखाता है कि आ, कोई किरदार कोई इंसान कहाँ का रहने वाला है वो कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है और लोग बाग उससे राय तो बनाते हैं तो जब आपने इंडस्ट्री को इतने अच्छे से समझा तो अभी इतने सालों बाद लगभग दो ढाई दशक बाद आप क्या मतलब कैसे देखते हैं मुंबई नगरी को सिनेमा को मतलब क्या है पहला तो मैं ये दिखता हूँ कि जो मुंबई नगरी और इस फील्ड को एक वो माया नगरी और ग्लैमर वर्ल्ड ये जो जो ये मेटाफर दे दिए गए हैं ना वो उसकी सच्चाई से दूर भगाते हैं उसको इस मेटाफर के की जो चमक है ना या शब्द का भारीपना है वो उसकी सच्चाई को मतलब असलियत जानने से दूर करता है आप इंसान को वो हमारे मतलब सब समान लोग हैं मुझे कहीं कोई अलग लोग नहीं लगे जैसे हम यहाँ मिल रहे हैं वैसे ही वहाँ के लोग हैं और क्या फ़र्क है तो मुझे वो कोई खास फर्क नहीं लगता लोगों में वैसे ही अच्छे लोग हैं और वैसे ही जैसी हर जगह पॉलिटिक्स होती है किसी छोटे से दफ्तर में या एक दुकान के अंदर भी वैसे ही वहाँ पर भी है और अच्छे लोग वहाँ पर भी हैं ये है हाँ सिनेमा का प्रभाव है डेफिनेटली सिनेमा एक फोक आर्ट है है ना तो फोक आर्ट का हमेशा हमारी लोक कला है ना <laughs> तो एक तरह से वो हमारे लिए बहुत प्रभाव है उसका सिनेमा के गीत आज के फोक लोक गीत हैं अब तो इस्तेमाल भी हो रहा है <laughs> ना तो एक तरह से वही है तो उसका असर है और वो मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ से वो दोनों तरफ बहती है वो गंगा मतलब सिनेमा पे हमारी दुनिया का असर पहुंचता है और सिनेमा का असर भी दुनिया पे पहुंचता है जब आप फिल्में चुनते हैं या फिल्में जब आपको चुन रही होती हैं और आपको आखिरी में उसे साइन करना होता है या जो भी प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पे आप कैसे लेते हैं उसको कि आपका प्रोफेशन है और मुझे ये काम करना है या फिर उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी के भाव और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या ये सारी चीज़ें भी उसमें कहीं ना कहीं आ रही होती हैं कि फिल्म किस बारे में है क्या इसका प्रभाव पड़ेगा मतलब वो जिम्मेदारी का भी एहसास होता है जब आप कोई फिल्म चुन रहे हो ज़िम्मेदारी का डेफिनेटली एहसास होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िम्मेदारी मैं अकेले अपने ऊपर ओढ़ लूँ आप समझ रहे हो मैं ओढ़ भी नहीं सकता एक एक्टर हूँ लेकिन लकीली मैं ये कहूँगा कि अब तक मुझे जितना काम मैंने किया है जो भी ऑफर किया है वो कोई बहुत ही कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा या ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला उस काम को कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैये से बनाई गई चीज़ है तो मुझे ऐसा मौका अभी तक आया नहीं है जहाँ पे मेरे को बिल्कुल ही गलत चीज़ लगे और मुझे एक निर्णय लेना पड़े कि यार प्रोफेशन को आगे रखूँ कि अपने सिद्धांतों को आगे रखूँ ऐसा मेरे साथ अभी तक आया नहीं मौका आएगा तो शायद खुद को जांचने का मौका मिल जाएगा एक तो ये चीज़ दूसरा ये होता है थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हम सब रखते हैं कि मेरे जैसे कोई डायलॉग में कोई चीज़ दो शब्द ऐसे हैं जो गलत है मान लीजिए किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं या पॉलिटिकली इनकरेक्ट है वो तो उनको आप खुद ही सजेशन दे देते हैं एक एक्टर के तौर पे तो, तो यही कर सकते हैं आप और किस तरह से ए, कोई चीज़ में मतलब कोई बुराई का ग्लोरीफिकेशन ना हो या इस तरह के जो सारे सेंसिबिलिटीज़ हैं वो मेरे ख्याल से सारी टीम को होती है अक्सर तो जिम्मेदारी से करते हैं काफ़ी लोग काम ज़्यादातर लोग करते हैं कैंसिल कल्चर का बड़ा जोर चल रहा है आजकल बॉलीवुड पर तो बहुत जोर थे चल रहा है कि एकदम से बोल दिया गया हैश टैग बॉयकॉट तो अभी आपकी तो कोई फिल्म मेरे ख्याल से इस वाले उसमें नहीं नहीं मेरा मैं वही तो कह रहा हूँ ना मेरा कोई मतलब मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं हुआ काम और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें बहुत ज्यादा कोई जो जो कोई क्या कहे ना ऐसा कोई मुद्दे पे लेकिन जब ये सब आपके आसपास आप देख रहे होते हैं कि इस तरीके की भी चीजें चल रही तो उस पर क्या सोचते हैं आप मतलब कैंसिल कल्चर पर क्या सोचते हैं आप मेरा ये मानना है कि देखिए अच्छा काम चलेगा चाहे आप कुछ भी हैश चला लो और कुछ भी वो कर लो है ना तो ये और इनके इनके पीछे के भी मोटिवेशन आप जांच नहीं सकते कि वास्तव में क्या मोटिवेशन है कई बार ऐसा लगता है कि ये खुद ही करवा रहे हैं न <laughs> तो कुछ भी हो सकता है तो मुझे मान बहुत सारे उदाहरण है कि जिसमें कल्चर चला, वो ही <laughs> भी आ, तो मुझे नहीं पता मतलब जब तक कि वो संविधान के अंदर है हाँ, तब तक क्या कह सकते हैं आप अब बीस लोग इकट्ठे होकर कोई चीज की बुराई करना चाहते हैं चाहे वो सही है चाहे गलत है अब 20 लोगों को हक देना चाहिए और क्या कह सकता हूँ मैं आइडियली तो लेकिन ऐसा ये नहीं लगता है कि यार ये आ, मतलब ये मेरे प्रोफेशन की चीज है और अगर इस तरीके की चीजें सोसाइटी में हो रही हैं तो ये हमारे काम को इंपैक्ट कर सकता है मतलब आज हो सकता है नहीं आपकी इत्तफाकन कोई फिल्म नहीं इस चक्रव्यूह हाँ, में मतलब काम को इफेक्ट करेगा तो झेलेंगे क्या कर सकते हैं <laughs> जो करेगा मतलब मेरे मैं इस इस एक्चुअली मैं क्या हैं इन विषयों पे ज्यादा सोचता नहीं मुझे लगता है अपना काम करते रहो और जो हमारा हमें जो कुछ भी कहना है ना काम के जरिए कहना है ये अपने जीवन से कह सकते हैं वो कहना डेस्टनी में मानते हैं आप डेस्टनी में तो नहीं मानता प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं साइंस वाला थोड़ा विद्यार्थियों की <laughs> मतलब कुछ ना कुछ तो हम अपना भविष्य लिखते ही हैं और उस लिखने में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर के फैक्टर्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में होते हैं तो जो हमारे हाथ में फैक्टर्स नहीं उनको डेस्टिनी कह लीजिए लीजिए जो हमारे हाथ में फैक्टर्स मेहनत तो अपने अपना तो अपना पसंदीदा किरदार बता दिया हाँ। आ, जनता को क्या लगता है कि कौन सा सबसे एकदम ऐसे कनेक्ट कर गया आपका किरदार जो आपने निभाया जनता के बीच सबसे ज्यादा क्या पहुंचा मिर्जापुर का ज्यादा मेरे ख्याल से एक नंबर मिर्जापुर का पहुंचा दो नंबर दिल्ली क्राइम का अगर वैसे पहले दो वो बताए थे हाँ। अब ये दो बता देता हूँ पढ़ रहे हैं हाँ। तो मिर्जापुर का रमाकांत पंडित और उसका भूपेंद्र सिंह मिर्जापुर का अनुभव और ये पूरी हम कहानी समझना चाहेंगे कि कैसे आप तक ये सीरीज पहुंची और फिर वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका ये सीरीज मेरे को ऑब्वियसली जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला था जो एक कास्टिंग बे करके है अनमोल और अभिषेक उसको चलाते हैं अभिषेक तो खुद एक्टर हैं और तो उन लोग वो लोग कास्टिंग कर रहे थे इसकी और मुझे बोला कि एक चरित्र है आप इसका ऑडिशन कर दीजिए और मैं दिल्ली ज़्यादा रहता हूँ तो यहीं से मैंने अपने कजिन को बुलाया और उसके साथ ऑडिशन करके और कज़िन अपना कोई दोस्त लेके आया था वो तो वो किसी एड एजेंसी में बेचारा वो है ग्राफिक डिजाइनर तो वो चाकू वाला उसको मैंने बना दिया और उसको पीट पाट दिया ऑडिशन में जो ऐसे ही कज़िन का दोस्त साथ आया था और वो ऑडिशन करके भेज दिया मैंने और हो गया तो ये वो था जो खुद ही रिकॉर्ड करके भेजा था 2017-18 की बात होगी मेरे ख्याल से ये और तब तक पता भी नहीं था ओ टी टी भी बहुत ज्यादा इतना ज्यादा नहीं हुआ था मिर्जापुर क्या बन रहा है क्या मिर्जापुर है कोई ऐसा आपको नहीं, पता नहीं पता थी ना क्योंकि जब ऑडिशन के लिए आया तो थोड़ा सा चरित्र के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा दुनिया के बारे में बता देते हैं बट और मेनली जो सीन दिया है उसके बारे में बता देते हैं तो मुझे पता नहीं था फिर जब किया तब पता चला कि, कि अच्छा क्या है ये तो तब लगा था कि यार बहुत मजेदार है ये ये तब भी नहीं लगा था मुझे कि ये कोई बहुत एक कोई हिटी हो जाएगी और ये कोई एक पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाएगी एक तरह से लेकिन डायलॉग्स भी स्क्रिप्ट के पढ़े थे ना तब लगा था कि यार इनमें स्वैग है कुछ कुछ है हर एक हर चरित्र में एक स्वैग है और पूरा सीरीज में एक कुछ है था। सीरीज भाँकाल भाँकाल था। था कुछ, था कुछ। वो पढ़ के लगता था मजा आता था पढ़ने में बोलने में, में मजा आता था तो यू तो लगा था कि हाँ पसंद आएगा लोगों को लेकिन इतना आएगा नहीं लगा था तो फिर इसका शूट ऑडिशन का कितने दिन बाद शुरू हुआ ये मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन मैं महीने दो महीने के अंदर फिर मुझे सारी स्क्रिप्ट भेज दी थी अच्छा अच्छा ऑडिशन के बाद ये जो अप्रूवल तक का टाइम होता है तो इसमें सोचते हैं उसके बारे में बिल्कुल जीरो परसेंट मतलब तो मुझे मतलब भगवान की से ऑडिशन देने नहीं पड़ते हाँ, अब तो लेकिन एक जमाने में मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं यहाँ दिल्ली से ही कर करके भेजे हैं और या कभी कभार वहां जाके भी दिए लेकिन वो वैसा वाला था मैं मैंने उसको ऐसे लिया हमेशा कि जैसे आप लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद भूल जाते हो ना तो वैसे भूल जाओ उसको रख दो पर्स में कहीं सोचो कि तुम तो दिमाग खराब है आप करे जाओ क्योंकि वो भी एक्टर की तैयारी का हिस्सा है अभिनेता की तैयारी है वो मुझे तो मजा आता था ऑडिशन करने में खाली कि कर रहा हूँ तो मजा आ रहा है इसमें करने में ना लेकिन तब तक ना जब तक कुछ वर्क कर रहे हैं ना भी करे तो क्या है? अपना तो थिएटर कर ही रहे थे ना यहाँ पे कोई हाँ। किसी के वो तो नहीं था ना हाँ। तो फिर ये अप्रूव हो गया आपका फिर आप पहुंचे तो कैसा था शूटिंग का माहौल और तब उस दरमियान ये पता चल गया था कि मतलब ये कुछ खतरनाक होने वाला है आ, आ जाता है ऐसे मन में नहीं मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मजेदार लग रहा था फिर हम लोगों ने मेरे ख्याल से पहला सीन किया था मैं बनारस में है ना उसके पास एक घर है वो जो हमारा घर बनाया है रमाकांत पंडित का जो घर है उसका वो वाला पहला सीन किया था हमने पहली तीन रातें जिसमें वो मुन्ना आता है और वो गोलीबाजी होती है और वो वो सीन सबसे लंबा शूट हुआ था वो छोटा सा सीन है उसमें कोई एक सौ तीन एक सौ सात कट है मेरे ख्याल से और मजेदार सीन था कान भी उड़ गया उसका वो सारा वो वाला सीन किया था तब लगा कि यार मजेदार तो है कुछ <laughs> मजा तो है इसमें कुछ लेकिन फिर भी ये नहीं एहसास होता है कि चल जाएगा पसंद नहीं ऐसा सोचते भी नहीं एक्चुअल में ये कौन सोचता रहता है कि मैं ये हिट हो जाएगा और वो नहीं हो जाएगा ये सोचों को भी तो गड़बड़ है आप काम करते हुए काम को एंजॉय करते हो और मेरे ख्याल से वही समाप्त है चीज वही आप काम करते हो एंजॉय करते हो रख देते हो अब बाकी रिएक्शन क्या आएगा वो आपके हाथ में ही नहीं है तो शूट कितना आपका चला मिर्जापुर का कितने दिन अब ऐसे दिन याद नहीं मुझे बट हाँ कुछ बनारस में किया कुछ लखनऊ में किया कुछ बॉम्बे में किया वो वाला सीन जो है जो जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे बंदूक और वो बॉम्बे में किया था यहाँ बॉम्बे में एक चाइल्ड माहिम के पास चाइल्ड रिमांड हाउस है एक जो बच्चों की जेल है उसमें किया जाएगा कोएक्टर्स के साथ कैसा क्या उसके को पहले के साथ बड़ा वा... मजा आया शबाक को मैं जानता था थोड़ा और मतलब अली और विक्रांत तो वगैरह के बारे में जानता था देवेंद्र वगैरह के बारे में लेकिन उनके साथ काम पहली बार किया तो पंकज जी के साथ पंकज के साथ मेरा कभी सीन ही नहीं हुआ हालांकि पंकज को मैं एनएसडी स्टूडेंट डेज से जानता हूं और उन लोगों ने एक प्ले किया था उस प्ले को मैंने उसके लेखन में रहा हूँ जो पंकज जब स्टूडेंट थे तो उनको मैं जानता था पहले से लेकिन हमारा कभी सीन साथ का नहीं हुआ आज तक कभी नहीं हुआ एक सीन का जिक्र मैंने बहुत सुना है जो आपका अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ <laughs> वो तो पागल बना <laughs> जब सीन की बात हो ही रही है तो उस सीन के बारे में भी बताइए हमें अरे कुछ नहीं सीन तो क्या था मैं तो बच्चन साहब के तो फिल्म कौन सी थी देव 2005 में आई थी वो अमिताभ बच्चन थे उसमें ओमपुरी करीना कपूर तो गुजरात के दंगों पे थी वो फिल्म तो वो तो गोविंद नीलानी जी के साथ मैं दो फिल्में कर चुका था पहले एक की थी हजार चौरासी की माँ और एक तक्षक हाँ तक्षक तो उन वो उनको मुझे पता चला कि वो अमिताभ बच्चन को लेके फिल्म बना रहे हैं गोविंद जी के साथ शिवाजी काम करते थे और एक मीनाक्षी थी, थी उनकी जिन्होंने उन लिखी भी थी ये फिल्म इन लोगों के थ्रू मुझे पता चला कि वो गोविंद जी फिल्म बना रहे हैं। तो मिलने गया और मैंने बोला कि बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर मुझे एक फ्रेम दे दो उनके साथ आप खाली अच्छा। और आप पहले काम कर ही चुके थे उनके साथ उनके साथ दो फिल्में कर चुका था तो उन्होंने कहा देखते हैं आ जाए फिर मेरे पास फ़ोन आया उनका जी शिवाजी का कि सर बोल रहे हैं कि एक फ्रेम नहीं है आपका जितना रोल है सारा उनके साथ है सारे फ्रेम ही उनके साथ है अच्छा फिर उसमें एक करेक्टर दिया जो वामन भोसले ए वामन भोसले जो थोड़ा सा जिसके पॉलिटिक्स हिली हुई है और दंगों में साथ देता है वो दंगाइयों का और आखिर में उनको गोली भी मारता है बच्चे साहब को तो यही बेसिक था उसका और वो सीन तो क्या था मैं पहली बार जब वो सीन शूट कर रहा था तो उनसे मुलाकात नहीं करवाई थी सीधा शॉट लग जाता ना कई बार और बड़ा लंबा चौड़ा शॉट था वो फिल्म सिटी में मंदिर के सागे कोई बॉम्ब विस्फोट हुआ है तो वो अपनी कार में आते हैं मैं पीछे आता हूँ पुलिस की टीम पहुँची है वो कमिश्नर थे मैं ए था तो पीछे आते हैं तो वो शॉट लॉन्ग शॉट ही था इसलिए बच भी गया मैं तो उन्होंने जब मेरी तरफ मुड़ के देखा वो करने के लिए तो मैंने उनको देखा ना पहली बार जिंदगी में अमिताभ बच्चन से नजरें मिली है ना तो वो पागल हो जो आ रहे तो स्वाभाविक है मतलब नहीं स्वाभाविक नहीं होना चाहिए एक्टर के तौर पे गलत बात है अभिनेता के तौर पे सारी शिक्षा बेकार गई अब तक की इतने सालों की उस एक शॉट में लेकिन ठीक है वर्थ है फिर दोबारा लेना पड़ा नहीं वो किसी और कारण से लेना पड़ा किसी का ध्यान ही नहीं गया उस पर क्योंकि इतना दौड़ी का शॉट है वो कि दो गाड़ियां आके रुक रही हैं इधर आग लगी हुई इधर टायर जल रहे हैं इधर कोई बॉम्ब स्फोट हो रहा है ऐसा सीन था अच्छा मतलब उनको पता नहीं चला कि तो हुआ है। बाकी के लोगों को किसी को पता नहीं चला वो शॉट वैसे ही दोबारा होना था बच्चन साहब को ये बात पता चली कि ये कॉन्शियस हो रहा है तो उन्होंने आगे मुझसे जितने भी शॉट हुए ना उन्होंने फिर नजर नहीं मिलाई मुझसे खाली यूं करके किया उन्होंने ताकि मैं कॉन्शियस ना हो तो ये सारी चीजें भी सब साथ काम करते हैं तो ये भी ध्यान देते हैं जैसे एक शॉट था मैं बताता हूँ तो मैं सामने आके खाली सल्यूट करना था मुझे उस शॉट में और मैं मार्क सही पे नहीं आ रहा था बार बार क्योंकि मेरा ध्यान सीधा बच्चन साहब पे और वो चुपचाप बैठे और उनका पीठ दिखाई दे रही है तो उन्होंने देखिए ऐसे होता है ना बड़प्पन और बड़ी सहायता करते हैं उन्होंने कहा कि मुझे मार्ग दिख रहा है कि यू यू कम टू द मार्क बट सी इट ना तो मैं खास दूंगा उसे और मैं दिखाई नहीं दूंगा तो जैसी उन्होंने किया तो आज नहीं कि मैं मार्क सही तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों में किसके साथ काम करने का भी कोई महत्वाकांक्षा है कि यार इन लोगों के साथ तो काम करना है ऐसे कोई है दिमाग में लोग नहीं सब अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ मतलब मैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कितने सारे लोग हैं मैं किसी एक का क्या नाम लूँ दो तीन का नाम लिया तो और वो छः लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ ना दे मेरे काम तो <laughs> इसलिए सब लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ ख़ासतौर पे मैं बच्चे सबके साथ अब एक बार फिर से करना चाहता हूँ है ना और और ज़्यादा यंग लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जितने क्योंकि वो एक नई सोच और नए से लेके आते हैं क्योंकि मेरी तो थोड़ी उम्र हो गई अब शायद अच्छा ये एम की क्या मतलब एम जब मिलता होगा मतलब मैं तो सोच ही रहा हूँ आज मैं सोच रहा था कि कैसा रहता होगा कि इतना बड़ा अवार्ड अगर मिले हमें हमारे क्राफ्ट को काम को तो वो क्या फेज था जब डेली क्राइम का एम एम मिला डेली क्राइम को तो मतलब जब हजारों सीरीज बन, बनी है पूरे वर्ल्ड की और वो एक तरह से सीरीज का वो क्या कहना ऑस्कर है तो मुझे ज, जब वो मेन चार तक पहुंचा ना तब तक मुझे ख्याल नहीं था कि लेकिन जब चार में पहुंच गया तब तो मुझे लगा अब चार में तो हो जाएगा तो एकमात्र मैं था पूरी टीम में जो हमेशा ये बोलता रहा कि हम चार में पहुंच गए तो हो जाएंगे चार तक ही ना पहुँचेगा अलग बात है ये आखिर के दो चार जो भी थे हालांकि उसकी बहुत ज्यादा खुशी मना नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन था उस दौरान और मैं बीकानेर में था कोई कहीं था एक जूम कॉल ज़रूर किया सब लोगों ने मेरी पूरी टीम ने डेली क्राइम के बारे में थोड़ा बताइए जब पहुंची और फिल्म आप तक कैसे पहुंची है सीरीज रिचि मेहता मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं उनके पहली फिल्म से मैं उनके साथ काम कर सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं उनकी पहली फिल्म थी अमल अमल जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे रुपेंद्र एक एक्टर हैं वो थे सीमा विश्वास थी रोशन सेठ थे उस फिल्म में मैंने उनके बाइलिंग फिल्म थी तो हिंदी वाले डायलॉग्स पे मैंने काम किया था और जो मेन लीड कर रहा था उसका एक्सेंट कोच था मैं अच्छा क्योंकि वो कैनेडियन एक्टर थे जिसको दिल्ली का ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनना था तो थोड़ा उनकी एक्सेंट ट्रेनिंग की थी और एक छोटा सा रोल किया था दो सीन का नसीर सर के साथ दोनों सीन थे इसलिए मैंने कर लिया था ये था तो फिर रिची ने मेरे को अप्रोच किया कि एक एक आइडिया है तो यू प्ले द लीड तो सिद्धार्थ फिर मैंने लीड रोल किया उसमें और उसके हिंदी डायलॉग्स भी लिखे फिर उसके बाद क्योंकि रिची के साथ दो तीन का एक इंडिया इन ए डे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें भी मेरा एक स्टोरी थी पोर्शन था मेरा मैंने एक छोटा सा हिस्सा बनाया था मेरे और भैया के साथ का हिस्सा जिसमें उन कैंसर हो गया था तब का तो ऋचि के सारे मेजर काम में मैं हमेशा किसी न किसी की रूप से जुड़ा हुआ था तो डेली क्राइम में ही ऑब्वियसली वांटेड मी टू प्ले दैट रोल तो उस तरह से हुआ और ऋचि के साथ इतने वक्त से नाता था तो वो जब रिसर्च कर रहे थे चार साल से तो आई न्यू अबाउट द प्रोजेक्ट ऑल्सो काफी वक्त से उनसे बातें हो रही थी तो इस तरह से काम और जब डेली क्राइम का पूरा शूट उट हो गया फिर उसके बाद ये क्योंकि ये डेली क्राइम एक ऐसी फिल्म थी जो मतलब जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला और लोग एक बार फिर से वो वो जो घटना थी उससे रिलेट कर पाए लेकिन स्थितियां कुछ बहुत खास ऐसे बदलती नहीं है फिल्म मतलब आ गई उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो घटनाएं हैं इस तरीके की वो हो रही हैं समाज में अभी भी तो क्या ऐसी फिल्में करने के बाद उनका हिस्सा बनने के बाद जब आप फिर ऐसी कोई घटना सुनते देखते हैं तो क्या वो अलग तरीके से आपको इम्पैक्ट करती है क्योंकि आपने उस पर इतना काम किया उस घटना पे आपने पूरी एक सीरीज उस पर बनाई वक्त लेकर के और फिर जब ऐसा कुछ सोसाइटी में हो तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है नहीं वो तो इम्पैक्ट करता ही है जैसे सबको करता है उसी तरह से करता है क्योंकि ऑब्वियसली ये अगर कोई आप उस पर सीरीज बना रहे हैं और आप ये सोच के बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं आप कि मैं ये बना रहा हूँ इस वजह से सब रुक जाएगा इतने ताकतवर कोई भी नहीं है है ना तो ऐसा तो आप कभी भी नहीं सोचते अगर चार इंसानों के भी व्यवहार में बदलाव आए तो वो भी काफ़ी है या एक बार दोबारा से हमें सोचने का मौका मिले किसी भी घटनाओं के बारे में तो वो है तो ऐसा तो नहीं मेरे ख्याल से किसी भी मेकर को ये ख्याल है कि वो अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई चीज़ बनाएंगे तो उस वजह से उस तरह की चीज़ें होना ही बंद हो जाएंगी वो तो हमारे इंसान हैं सारे लोग कैसे हो जाएगी तो वो है कि उसकी वजह से अगर आप कुछ लोगों में सोच में बदलाव आता है पॉलिसी मेकर्स की सोच में बदलाव आता है खासतौर पे क्योंकि उस वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आप समझ रहे हैं तो फायदे की चीज़ है उसकी वजह से चार लोग बात करते हैं और पॉलिसीज में या कुछ भी वुमेन सिक्योरिटी में या किसी भी तरह के में बदलाव आते हैं कानूनों में या जो सच में एक लंबे तौर पे बदलाव का कारण बने तो फ़ायदे की चीज़ है जिसमें प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी अलग है आप एक जब मिर्ज़ापुर आ रही है वो एकदम अलग जॉनरा की फिल्म है दिल्ली क्राइम एकदम अलग टॉपिक और अलग जॉनरा की फिल्म है। तो इस पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो वो मैं समझना चाहूँगा जब आ गई उसके बाद फिर लोग जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से आ, वो वो कैसे रिस्पॉन्स होते हैं मतलब आम लोग जो क्र, क्राफ्ट व्राफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं लेकिन उनको आपका रोल पसंद आ रहा है तो वो प्रतिक्रिया आपको देते होंगे तो वो कैसी प्रतिक्रियाएँ होती हैं नहीं ऑब्वियसली वो जिस तरह का काम है उस तरह की होती हैं कि जो मस्ती वाली प्रतिक्रियाएँ और जो स्वैग वाली है जो सारी वो सारी प्रतिक्रियाएँ इसमें ही आती है उसमें अलग तरह के मीम्स बनते हैं है ना मिर्ज़ापुर पे अलग बनेंगे लेकिन डेली क्राइम पे कोई मीम नहीं बना होगा मेरे ख्याल से बन भी नहीं सकता तो उसके कमेंट्स उसके लोगों के बातें अलग ही सेंसिटिव लेवल की ही होती हैं क्योंकि मैंने कोई डेली क्राइम के बारे में जितने भी लोग मिले या सोशल मीडिया में जो इंट्रैक्शन हुआ उसमें डेली क्राइम के बारे में उस सब्जेक्ट के बारे में एक भी मुझे चिछोरा या कोई गलत कमेंट नहीं मिला तो लोग समझते हैं मेरे ख्याल से सेंसिटिव है तो आपने राइटिंग भी की है डायरेक्शन भी किया है एक्टिंग भी की है एक्टिंग ही की है एकदम मतलब बाकी हाँ। तो कर रहा हूँ ऐसे कर लिया था तो मतलब हां टीचिंग भी, हाँ, भी की है तो हाँ। किस में ज्यादा सबसे ज्यादा अपना तत्व समझ आया आपको कि यार इस चीज़ में मतलब एक तो होता है कि चलिए कर रहे हैं जैसे कि मुझे जब मैं अपने आप को पर्सनली देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं पोइट्री लिखते टाइम खुद को ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ भले मैं एज अ प्रोफेशन जर्नलिज्म कर रहा हूँ ये भी मैं अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ पैशन फॉलो करके ही कर रहा हूँ लेकिन जब आप कंपेरिजन ड्रॉ करते हैं मतलब आपको दे ही दिया जाए कि तुलनात्मक ही आपको बताना है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अपने आप को मैं पोइट्री लिखते टाइम पाता हूँ कि हाँ यार ये तो मैं आ गया इसमें ज्यादा तो क्या करते वक्त आपको सबसे ज्यादा राजेश तेलंग दिखते हैं कि यार ये तो है मतलब पूरा तो किसी में भी नहीं दिखता क्योंकि मैं तो वही एक अंदर से अपने आप को बीकानेर में रहने वाले एक छोटे बच्चे जैसा ही महसूस करता हूँ जिसको अभी भी हर घड़ी को खोल के देखने की इच्छा होती है ये कैसे चलती है रेडियो खोल के देखते थे कि कोई अनाउंसर तो नहीं बैठा अंदर अच्छा है वो वैसे वाला ए, एक जिज्ञासु बालक की तरह जीना चाहता हूँ तो ये इन सब में मतलब वो नहीं मिलता है कि हर एक में कुछ कुछ हिस्सा एक सेटिस्फाई होता है पूरा तो नहीं मिलता कहीं पे भी अगर सच में कहूँ तो सबसे ज्यादा किस में मिल जाता सबसे ज्यादा इजी क्योंकि एक्टिंग पे इतना काम किया है इतना ज़्यादा ध्यान दिया है इसलिए एक्टिंग सबसे यो लगता है कि इजीली फ्लोइंग है मेरे लिए है ना राइटिंग प्रोफेशनल करना हो तो थोड़ा एक अलग काम होता है वो थोड़ा बोझ वाला काम है लेकिन पोइट्री लिखना फिर आप जैसा कह रहे हो वैसा है क्योंकि वो अपने शांत सुखाए एक तरह से और, और क्या कहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लिख सकते हैं तो वो पोइट्री और पैसे के लिए नहीं लिखते आप बिल्कुल भी कि उससे एक पैसा भी आएगा तो कोई उम्मीद ही नहीं है वैसा है तो वो एक अलग है लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में हमको अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है और मैं निर्णयों में पहुंचने से डरता हूँ हाँ कि मैं ये मेरे को मिल गया है सत्य ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी तो पता नहीं एक्सप्लोर कर तो निर्णयों में पहुंचने से डरता हूँ मतलब मतलब ये है कि हम एक बना लेते हैं ना कि अच्छा नहीं यही मेरा सब कुछ है मतलब एक पक्का जवाब नहीं दे पा रहा पाता हूँ मैं क्योंकि मुझे लगता है कि स्कोप रखते हैं कुछ और एक्सप्लोर करने का रिस्क लेते हैं आप हाँ रिस्की है सारा जीवन ही रिस्की है <laughs> 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 एक्टिंग में आगे से बड़ी कोई रिस्क है क्या <laughs> उम्र के साथ साथ आप थोड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने लगते हैं थोड़ा सा यूँ है कि हाँ ठीक है बाकी तो जिंदगी को पूरा एक रिस्क क्या मतलब पूरी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बना दी उससे बड़ी क्या रिस्क होगी नहीं तो पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस थी सही से चल रही थी अपना आराम से काम करते जमा जमा धंधा था कैसा आपके फादर के साथ कैसा रिलेशन था बहुत अच्छा दोस्त की तरह रिश्ता था जो फादर उन्होंने ही बहुत कुछ मतलब बनाया सिखाया है जब परिवेश से भी मैंने देखा है कि आर्ट मतलब ऐसे आ जाती है एक माहौल बहुत इसमें रोल प्ले करता है कि खास तौर से जब आर्टिस्टिक थोड़ा सा स्वभाव हो तो उसमें परिवेश काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत इम्पोर्टेंट करता है बहुत करता है क्योंकि मुझे लगता है सारे बच्चे ही क्रिएटिव होते हैं पैदाइशी तो कलाकारी होते हैं सारे बच्चे उनकी कला को धीरे 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 परिवेश मारता है और जो उनकी कला को नहीं मारता वो तराश जाते हैं या एक एक फर्टाइल उपजाऊ भूमि मिल जाए अगर उसको तो परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है आप कैसे पिता है अब कभी मैं भी वैसा ही मेरे पिता, मैं मेरे पिताजी जैसा पिता हूं लेकिन अब पता नहीं मैंने भी अपने पिताजी को कभी ढंग से ऐसे बोला नहीं कि आप बहुत ग्रेट हो तो <laughs> वो भी नहीं बोलता <laughs> लेकिन मैं भी चाहता हूँ जो मर्जी करे जैसा करना हो मतलब इसमें मुझे सिलेक्शन डे का भी वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, है। अब सिलेक्शन डे बिल्कुल उल्टा था ना वो इसीलिए तो कह रहा हूँ सिलेक्शन डे ऐसा था चरित्र जैसा मैं बाप नहीं हूं ना मेरे पिताजी मेरे साथ वैसे थे तो वो इतना कड़क स्ट्रोंग बाप है सिलेक्शन डे का जो बिल्कुल ही एकदम मशीन की तरह से चला था बच्चों को और वो उल्टा था एक तरह से उल्टा भी है समाज से वो बाप कि साइंस नहीं पढ़ने देना चाहता उसको कतर क्रिकेट खेल तो वो उस तरह से उल्टा बाप भी है कि ज्यादातर बाप ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं साइंस पढ़ तू क्रिकेट छोड़ कविता पे बात करते हैं थोड़ी सी आपकी ये किताब आई है चांद पे चाय चांद पे चाय नाम करना चाय या बिजवाद हाँ चांद पे ये चाय <laughs> खत्म हो गई दूसरी मंगाई ये ऐसे हवाबाजी के लिए रखा नहीं नहीं हम पहले पी चुके थे <laughs> हवाबाजी में हवा ही रखी उसमें हमारी टीम ही कम हॉल <laughs> थोड़ी ना बनाती है नाम बहुत अच्छा है चांद पे चाय के चांद पे चाय कैसे नाम रखा है इसका चांद पे चाय नाम ऐसे पड़ा कि मेरी एक प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई अच्छा हां तो मतलब असलियत में छोड़ के मतलब दुनिया कैल... नहीं छोड़ के गई नहीं रिस्क कैलकुलेट करके आप बता रहे हैं ना अभी <laughs> क्योंकि ये देखेंगे आपके घर में भी देखा कोई बात नहीं थी। ठीक है आ, तो <laughs> दिन दुनिया नहीं छोड़ के गई हाँ। मेरी दुनिया छोड़ तो वो नाम ऐसे पड़ा कि युवा होता है ना जब जब आप किसी से मिलना बंद कर देते हैं तो आप ख्वाबों में मिलते हैं तो रियल डेट्स ख्वाबों की डेट्स में तब्दील हो जाती है तो ख्वाबों की डेट और हम कॉफी वाले हैं नहीं चाय वाले हैं है हाँ ना तो ख्वाबों की डेट में क्या होगा कि कॉफी नहीं चाय चाहिए और चाँद पे चाय चाहिए हाँ। तो जब हम मिलना बंद कर देंगे ये लिखी थी वो चार लाइन ये थी जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे आओ चांद पे एक चाय हो जाए तो इस तरह से चांद पे चाय बना तो नाम आया था पता चलेगा उनको तो बड़ा अच्छा लगेगा <laughs> <laughs> उसके बाद कभी हुई मुलाकात अब अब तो हाँ मतलब सबसे मुलाकात है सबसे दोस्ती है इसलिए इसमें मैंने मैंने इसको इसको आप पहले पेज में देखेंगे कि मैंने हाँ देखें। इसको समर्पित किया है ये दिख रही है समर्पित तुम्हें अच्छा ये है डेडिकेटेड टू यू तो जिसके हाथ में वो समझ ले कि मेरे को समर्पित <laughs> समर्पित तुम्हें <laughs> तो लिखने आ, मतलब लिखना कविता का भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कब कविता कब आएगी मतलब कविता तो उतरती है ऐसे बताया जाता है जैसे आपने दो वो दी है ना परिभाषाएं खतरनाक वाली <laughs> कई बार हम करने के बाद परिभाषाएं ढूंढते परिभाषा ये है इतनी खतरनाक कि यार ना गज गजल होती है नज्म होती है कविता होती है ये कोई लिखता नहीं है ये हाँ, कही जाती है कही जाता तो उतरती है तो ये कब कव उतरी ये पहली बार उतरी थी कविता मेरी जब मैं सत्रह साल का था मुझे वो कविता भी याद है आज तक थोड़ी बहुत मतलब पूरी नहीं सत्रह साल का था बीकानेर में उतरी थी एक कोई लड़की थी जिसको मैंने ऐसी अब कोई बातचीत तो थी नहीं तो ऐसे ही मैंने हेलो कर दिया था तो उसने वापस मुस्कुरा के मुझे हेलो किया फिर अगले दिन मैंने हेलो किया तो उसने मुस्कुरा के हेलो नहीं किया कुछ गंदा सा मुंह बना के चली गई तब मैंने पहली कवि दिल <laughs> दिल टूटा रुका इतने भी दुल दुल <laughs> दिल टूट गया कि एक दिन हेलो का जवाब मुस्कुरा के दिया एक दिन मुंह बना के चली गई तो मैंने वो फिर लिखी थी कि एक बार तो फिर से मुस्कुरा दो जीना मुझको तुम सीख और मोड में कविता है ना एकदम पीड़ित व्यक्ति की कविता थी वो इतनी सी बात पे कि एक बार तो फिर से मुस्कुरा दो जीना मुझको तुम सिखला दो मैंने तो बस रोना सीखा घुट घुट कर रही जीना सीखा एक बार तो फिर से मुस्का कर जीने का मतलब समझा दो एक बार तो फिर से मुस्का दो बार तो फिर से मुस्का दो ऐसे कुछ करके लिखी थी लेकिन मुझे यह यह लगता है कि उसमें भी एक लाइन लिखी थी जो मजेदार थी कि टेढ़े दांतों को दिखला दो बार तो तो बदवाशी थोड़ी थी उसमें तो ये ऐसे कविता आई थी पहली फिर मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया पता नहीं अपने आप हुई फिर धीरे धीरे आदत ही होगी रहता था। तो बीकानेर में ऐसे सत्रह साल की उम्र में ऐसा माहौल था कि आप नहीं, में <laughs> नहीं <है>। <laughs> <laughs> <तब> <laughs> क्रांतिकारी थे छोटे शहरों में तो फील्डिंग लग जाती थी ना अच्छा उस मामले में क्रांतिकारी रहे कल ही मैंने उस दौरान के दोस्तों को लेके फ्रेंडशिप डे पे मैंने सोचा क्या करें सारे लोग अलग अलग हैं लेकिन सब लोग मुझसे थोड़े-थोड़े टच में थे तो कल मैंने एक फ्रेंडशिप डे पे ग्रुप बनाया और सारे लोगों को फिर से वीडियो कॉल में शामिल किया जो बीकानेर के उस दौरान के दोस्त हैं इस कविता के दौरान के तो अब तो बदल मतलब ये तो बदल जाता होगा जैसे अब तो एक तरीके का वो आ जाता होगा फिल्टर बीच में कि नहीं आता मतलब वो अब आपको जब आपसे बात करते होंगे अब पता नहीं वो लोग किसने नहीं लग नहीं, नहीं, नहीं है फिल्टर वैसा अच्छा हाँ वो फिल्टर मतलब हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए ना देखो जीवन में बदल हर एक के बदलाव आ गए हर एक की जिम्मेवारी अलग हो गई अलग अलग कंसर्न हो गए थोड़े बहुत मूल्यों के भी अलग अलग हो गए ना सबके लेकिन फिर भी एक दोस्तों के तौर पे बड़ी मस्ती है क्योंकि पास्ट को ही याद करके मजे ले ले तो बड़ा अच्छा रहा तो इस तरह से मेरी कविताएं शुरू हुई मैं दरअसल क्या लिखने का शौकीन तो नहीं था मेरी मदर बहुत ही साहित्य से जुड़ी हुई थी उनकी वजह से और उनकी हर बात पे एक मुहावरा कहावत लोकोक्ति कुछ ना कुछ उनके पास होती थी दोहा तो उस वजह से साहित्य से रुझान हुआ और मैंने डायरी लिखना शुरू किया पंद्रह साल की उम्र से पच्चीस साल की उम्र तक लिखा मैंने तो वो जो आपके बनावट के साल है ना दस उसमें मैंने डायरी लिखी तो वो बड़ा फायदेमंद साबित हुआ कि अपनी भावनाओं को अपने विचारों को एक व्यक्त करने का तरीका मिल गया डायरी के जरिए आप एक्सट्रोवर्ट थे तब नहीं मैं एक्सट्रोवर्ट कभी भी नहीं रहा कुछ मतलब जिन जि, जिन लोगों के साथ रहता उनके साथ मेरे जितना कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं है बट आमतौर पे मुझसे नहीं होता आमतौर पे मैं बिल्कुल कोना पकड़ने वाला इंसान अभी भी? हाँ। अच्छा। अभी भी अच्छा बड़ा वो शाही किस्म का रहता है मेरा मतलब है पता नहीं बनावट ही ऐसी है कि मुझसे ज्यादा जाया नहीं जाता अंटिल एनलिस थोड़ा सा एक माहौल ना बन जाए दोस्ती ना हो जाए तो उसने डायरी का फायदा किया अब डायरी बहुत सारे लोगों का वो होता है व्यक्त करने के लिए क्योंकि ज्यादातर मैंने सुना है कि मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा ऐसे दूसरों से नहीं बताते हैं मतलब बहुत सारे लोग तो हैं कि बोल दिया जो मन में आ रहा है बात कर ली निकाल दी अपने मन का गुब्बार लेकिन डायरी कई लोगों की बहुत खास साथी होती है वो साथी थी प्लस थिएटर करता था और ओशो जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया अच्छा हाँ तेरह चौदह साल की उम्र में ओशो पढ़ना शुरू कर दिया और गालिब पढ़ना शुरू कर दिया हाँ। तो सारे मतलब एक विद्रोह के सारे हथियार आ गए थे दिमाग में हाँ। तो ऐसे एस, ऐसे सवाल होते जिनका जवाब मिलने वाले नहीं थे आसपास। हम्म है चुप करा दिया जाए आप चौदह में ओशो पढ़ रहे थे आप हाँ तो उस चक्कर में मैंने डायरी लिखना कि अपनी बात हम ही समझेंगे तो उससे लिखने का शुरू हुआ उसमें भी कोई कोई कभी कविता लिख देता था ऐसे करके रहा तो इससे हम कुछ कविताएं आपके उसे सुनना पसंद करेंगे और इसमें समर्पित तुम्हें है हाँ समर्पित तुम्हें एन एक्टर इज एट मोस्ट अ पोएट एंड एट लीस्ट एन एंटरटेनर मालिन बैंडो ने ये कितनी अच्छी बात कही होती है सही तो इसमें से कुछ अपनी पसंदीदा कविताएं अब वो अपनी, अपनी पसंदीदा में दिक्कत हो जाती है मुझे अच्छा। वही वाला है कि अपनी पसंदीदा लिखी जाना बाकी है हाँ। <laughs> जब वो ओपन एंडेड मामला मतलब जीवन में हमें लगता वो है। तो चलता रहेगा क्योंकि मुझे लगता है हम मरने तक अगर एक मास्टर भी दे जाए ना कोई तो भी बहुत बड़ी बात है ना आम इंसानों के जीवन में तो एक मास्टरपीस आता ही नहीं आम कलाकारों के जीवन में जा रहा हूं मैं लाखों कलाकारों में कोई एक होता होगा जो एक मास्टर दे पाता अगर वो ऊपर वाला इतना चुन ले आपको तो उससे बड़ी बात क्या है मैं ज्यादा सीरियस बातें नहीं कर रहा नहीं नहीं ये तो <laughs> माहौल ही है आपने <laughs> मेरे को क्या कहा माहौल कर दिया तो मैं कविता देखिए मेरी मुझे एक तो कविताएं याद नहीं रहती अपनी नहीं, आप देख क्योंकि मैं मंच का कवि नहीं हूं <laughs> ना मेरी कविता ऐसी है जो पढ़ने पे ही मजा आएगा आजकल एक ये ये कविता है जो थोड़ी सी वायरल सी है <laughs> उसे सुना दू। हम दोनों अलग बनी हम दोनों साथ आए एक कहानी बनी हम दोनों अलग हुए, तीन कहानियां बनी।, बनी, कहानिया बनी।, कहानिया बनी एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई और एक तीसरी अनकई कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती है फिर की कहानी में एक आदि होता है कहानी में एक मध्य होता है कहानी में एक अंत होता है कविता में आदि ही अनंत होता है वाह। और जो तेरे मेरे मध्य होता है वो कविता का असल छंद होता है वो कविता का असल छंद होता है ऐसे <laughs> ही सुना देता हूं रेंडमली कुछ कुछ प्रेम नहीं है मेरे भीतर प्रेम नहीं है तेरे अंदर हमारे दो शरीरों के बीच जो रिक्त स्थान रहता है प्रेम वहां रहता है देह में तो रहती है जरूरत है प्रेम न तेरे बोलों में है प्रेम न मेरे बोलों में है हमारे बातों के बीच जो चुप्पी रहती है प्रेम वहाँ रहता है होठों में तो रहती है जरूरत है इसमें सारी कविताएं ही हैं इसमें सारी कविताएं सारी कविताएं छोटी बड़ी छोटी कविताएं लिखता हूँ ज़्यादातर तो ऐसे ही है सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर जमा करते जाना होता है दस्तूर प्यार एक मिट्टी की गुल्लक यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से और वैसे चाहो तो एक पल में तोड़ दो इसे गुल्लक बड़ी नाजुक होती है मजबूत होता है ना तोड़ने का इरादा महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक ये बाकी आप पढ़िएगा बिल्कुल पढ़ेंगे अधिकतर प्रेम कविताएं हैं इसमें प्रेम कविताएं ही हैं अधिकतर मतलब पूरी तरह से समर्पित तुम्हें ही है हाँ इसमें प्रेम कविताएं हैं इसमें मैंने एक छोटा सा पीछे लिखा है कि प्रेम से बड़ी कोई क्रांति नहीं और जिस क्रांति में प्रेम हो ना वो वो क्रांति किसी काम की नहीं तो क्रांतिकारी रहे आप कॉलेज वॉलेज में क्रांति तो घर से ही शुरू हो जाती है ना पहले घर की मान्यताओं को घर के नियमों को तोड़ना फिर आगे के नियमों को तोड़ना तो नियम तोड़ने का तो काफ़ी रहा है या उल्टा सोचने का सत्य तक पहुंचने के लिए तो वो रहे और पॉलिटिकली मतलब क्योंकि थिएटर एक तो एक विचारधारा देता है है ना और जो थिएटर हो चाहे ब्रदर के साथ कार्टूनिंग हो क्योंकि ये सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट आर्ट है है ना तो पॉलिटिकली वैसे और और अन्यथा भी मतलब मेरा जीवन को लेके ज्यादा नजरिया वो है ना क्या गया मतलब वही रहा कि, कि सवाल खड़े करना ज्यादा रहा सवाल ही दिखाई देते थे मुझे अभी भी मेरे को सवाल ज्यादा दिखाई देते हैं जवाब है नहीं आपने एक लाइन बोली मैं अभी वहीं अटका हुआ हूँ आपने कहा कि जहाँ ईश्वर जो चाहेगा तो मैं जब ओशो की बात हो गई और क्रांति की बात हो गई तो मैं थोड़ा सा आपसे ईश्वर पे भी बात करना चाहता हूँ कि पहली बात तो कि आप क्या धार्मिक हैं मतलब धार्मिक से आपका अधिकार तात्पर्य ये ईश्वर क्या चाहेगा वो कहावत के तौर पर निकला था ठीक है ना तो वैसे आप मतलब क्या ईश्वर में मानते हैं नहीं वो भी सवाल है मेरे और ओशो आप 14 साल में अगर पढ़ रहे हो तो मैं तो समझ सकता हूँ सवाल क्योंकि एकदम मैं रिलेट कर पा रहा हूँ वो भी सवाल तलब, है मेरे आ, मैंने भी मुझे भी ऐसा 14-15 मतलब मेरी माता जी बहुत आस्तिक हैं और हमारी सुबह की शुरुआत होती थी मम्मी हमारी संस्कार चला देती थी तेज आवाज में फिर हमारी उससे उठना होता था उनका मानना था कि इससे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं घर तो मैंने भी खूब टटोलने की कोशिश की कि और बहुत कम उम्र से ही मैं वैसे तेरह चौदह साल में मुझे सारे लोगों के जो राम कथा और कृष्ण कथा करते हैं उन सबके नाम याद थे तब तो जो बता दिया जाता था उसी से समझते थे अपनी कोई समझ खास नहीं थी तो फिर मुझे भी अपना इंक्लिनेशन ऐसा ही लगा मैंने भी खूब ओशो को देखा और दर्शन इधर उधर पढ़ा और टटोलने की कोशिश की तो जब आपने ये बात बताई तो मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा था कि इसका जवाब तो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपकी तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग जवाब इंटरेस्टिंग जवाब तो मैं तब दे पाऊंगा जब मैं मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे एक तो चीज़ ये जो कभी ख़त्म नहीं हो गए और दूसरा ये कि मैं मेरा परिवार तो ऐसा है जो हमारे मंदिर थे हमारे मंदिर हैं अभी भी है ना वैष्णव है कीर्तन करते थे मेरे दादाजी ध्रौपद और हवेली संगीत करते थे है ना तो दाऊजी का मंदिर गोवर्धन जी का मंदिर बीकानेर में हमारे मंदिर हैं तो मैं तो ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ बचपन में मंदिरों में जाते थे हम है ना रास देखते थे कृष्ण के उपासक हैं और मैं आ, कितनी वहाँ पे जो जो ये होते ना कृष्ण जन्माष्टमी और इस तरह के जो भी उपलक्ष्य होते थे उनमें मैं सखी बना करता था अच्छा छोटी उम्र में घाघरा चोली पहन के वो भी एक अभिनय शुरू कर दिया था है ना कृष्ण की सख्ती और भी हमें लगता पहले हो गया था तेरा ये बारह तेरह में ये भी हो रहा था अच्छा। दस से लेके हाँ। तो वो भी करता रहा हूं तो धर्म तो इस तरह से देखा है मैंने तो मैं अगर मेरे सवाल है तो मैं कोई धर्म के खिलाफ वाले सवाल नहीं मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं है ना लेकिन कोई चीज संपूर्ण सत्य की तरह स्वीकार करने में मुझे तकलीफ होती है इतना सा है जितने भी धर्म हैं उनकी उपयोगिता है मुझे लगता है बहुत बड़ी मुझे यह भी लगता है कि धर्म की वज़ आज की जो दुनिया में जितने अत्याचार हो रहे हैं और या जितने अपराध हो रहे हैं और जितने नहीं हो रहे हैं ना उसका ज्यादा कारण मुझे लगता है धर्म है बजाय के कानून लोग धर्म से डर के ज्यादा अन्याय नहीं करते हैं कानून से इतना नहीं डरते धन धर्म के सामने कानून कमजोर है मुझे ऐसा लगता है मुझे कि लोग विलेन क्यों नहीं बन जा रहे हैं उसमें धर्म का ज्यादा बड़ा रोल है बजाय कि कानून के क्योंकि कानून की नजरों से दूर होते ही कानून से तो आप बच गए धर्म की नजरों से दूर नहीं हुआ जा सकता <laughs> अकेले में और तेज है वो नजरें तो इस वजह से तो धर्म की उपयोगिता पे मुझे कोई प्रश्न नहीं है और दुरुपयोगिता पे भी प्रश्न नहीं है <laughs> नहीं है <laughs> ना, ना तो उपयोगिता और दुरुपयोगिता दोनों ही है हर चीज़ की लेकिन कुल मिला के है कि जो मेरा जो यात्रा है जो साइंस वाली यात्रा है जो मुझे वो है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और सारा बिग बैंग और मल्टीवर्स और ये सारी चीज़ें या टाइम डायलेशन <laughs> और ब्लैक होल्स है ना तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान है उसके पीछे भी बहुत सारे जवाब नहीं हैं है ना तो मुझे हाइपोथेटिकल फिज़िक्स बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल फिजिक्स की ब्रांच है एक तरह से कुछ चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं कुछ नहीं की जा सकती हैं हाइपोथेटिकली हैं तो धर्म ने भी कई बार हाइपोथेटिकल जवाब दिए हैं चीज़ों के निर्माण के बारे में आना। और साइंस ने भी कई चीजों में हाइपोथेटिकल जवाब दिए हैं सृष्टि सृष्टि के निर्माण के बारे में धर्म और साइंस दोनों हाइपोथेटिकल है हाँ मतलब हमेशा ऑपोजिट ही नहीं है कहीं कहीं पर तो। हाँ वैसा है ना दोनों ही अंदाजा कयास लगा रहे हैं कुछ कुछ वजह से कुछ किसी वजह से तो ये पता नहीं बट कुल मिला के यहाँ है और येट मुझे कई रिचुअल्स करने में कोई तकलीफ नहीं होती मुझे मजेदार लगता है कोई होली खेलना दिवाली मनाना ये सारे रिचुअल्स करने में मजा आता है तो रिचुअल्स हैं क्योंकि रिचुअल्स कल्चर देते हैं और वो कल्चर से जो एक समाज की जरूरत है वो तो मेरी नास्तिकता उस तरह की नहीं है कि धर्म कि के खिलाफ हो जो मेरे अपने सवाल हैं जिनका जवाब बहुत सारी नहीं है कई बातों में और उनका जवाब कोई उस वजह से कोई पता भी नहीं क्या है और कोई दे भी नहीं पाएगा क्योंकि इस बात है नहीं तो इंटरमिशन हो गया हमारा एक बार दोबारा बता दीजिए आपकी आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं अभी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं गुरु वो शुरू कर रहे हैं और एक उसके बाद एक फिल्म करूँगा तो फिलहाल तो ये दो काम लगातार कर रहा हूँ उसके अलावा बहुत सारे कामों की बातचीत चलती रहती है देखते हैं क्या बनता है बहुत सारे काम किए हुए हैं अभी जो जस्ट कंप्लीट किए हैं जो जल्द आएंगे मिर्ज़ापुर थ्री बेसब्री से बेसब्री तो। से जिसका इंतजार है मुझे बंदिश बैंडेड का भी इंतज़ार है सीजन टू वो जल्दी आएगा उसके अलावा एक सीरीज कॉमेडी सीरीज़ की मैंने पहली बार वो आएगी गुप्त विज्ञान अच्छा और एक गाठ नाम से सीरीज़ है जो जो ये हमारे यहाँ जो ग्यारह लोगों ने जो फांसी लगा के कर लिया था दिल्ली में हाँ बुराड़ी उस, में। बुराड़ी केस पे और उसके अलावा क्राइम बीट एक सीरीज़ है जी फाइव पर आने वाली है जो सुधीर मिश्रा जी संजीव कौल जी ने डायरेक्ट की है एक फिल्म की है उलझ सुजान सरिया जी ने डायरेक्ट की है उसमें जानवी कपूर हैं गुलशन देवैया है रोशन मैथ्यू हैं इस तरह से कुछ काम आने वाले किसके सीक्वल के लिए सबसे ज्यादा मैसेज लोग करते हैं कि कब मिर्जा नौ, नौ, बंदिश पेंडेड का तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसका सीक्वल आने वाला है लेकिन आई एम श्योर कि उसकी भी उतनी इच्छा है लोगों में जिनसे भी बात हुई क्योंकि उस सीरीज को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था अच्छा इस पूरी बातचीत में अगर मैं मुक्काबाज की बात नहीं करूँगा ना तो लोग बाग ऐसे नाराज हो जाएंगे हाँ नहीं मुक्काबाज एक बहुत ही अच्छा एक छोटा जब मैं मुक्काबाज बोल रहा हूँ तो मुझे <laughs> एक सीन याद आ रहा है जिसमें वो ट्रॉफी वाला जो सीन है <laughs> <laughs> तो जो कि हमारे सोसाइटी में ज्यादातर है कि स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर के जो <laughs> सोच है लोगों की <laughs> तो ये दो अपोजिट बात है जो मैंने किए एक बाप है जो बच्चे से कहता है पढ़ाई मत कर और स्पोर्ट्स में जा सिलेक्शन डी सिलेक्शन डी और एक ये बाप है जो कह रहा है पढ़ाई कर स्पोर्ट्स की चीज है <laughs> ये टीस बहुत मतलब जो विनीत किरदार निभाते हैं उस लड़के का और उसमें जब वो वो मतलब जो पूरा सीन है वो दो ढाई मिनट का उस सीन में मुझे बहुत सारे इमोशंस दिख जाते हैं लगातार गैंगर है और उसमें कॉमेडी भी एक तरीके की है जो डायलॉग है और उसी दो मिनट के अंदर जब वो कुछ ऐसी लाइन बोलते हैं कि आ, हम लाए ना एक ये झुंझुना जुन जो जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं तो उसमें वो इमोशन भी है और उस जैसे किरदार हमारे यहाँ बहुत सारे हैं तो क्या आपको लगता है कि मतलब लोगों को स्पोर्ट्स वगैरह में जो बच्चे जाना चाहते हैं या जो भी अपना स्ट्रीम चुनना चाहते हैं जो कि समाज के ऐसे खांचों वाली स्ट्रीम से थोड़ा अलग है तो वो कितना उसे रोकना कितना गलत है और किस हिसाब से गलत हो जाता है देखिए इसमें एक डायलॉग था ना वो कहता है कि विनीत बोलता है कि ये हमारा पैशन है पैशन तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे फैशन के चक्कर में <laughs> ना तो वो बच्चों का पैशन होता है जिसको हम फैशन समझते हैं है ना तो वही है मतलब ज्यादातर जो मैंने बाप के किरदार निभाए उनमें मुझे लगता है कि उनमें पेरेंटिंग के लिए टिप्स हैं बहुत सारी <laughs> कि अच्छा पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और पेरेंट के तौर पे हमारी जिम्मेदारी इतनी ही है कि हम बच्चों को एक अच्छा सा फर्टाइल ग्राउंड दे पाएं हम उनके फैसिलिटेटर्स हैं बस हम उनके मतलब वो हमारी कठपुतलियां नहीं है बच्चे तो उनको जो करना चाहते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं चाहे उसमें वो सक्सेसफुल हो चाहे फेल हो हमारा काम है सपोर्ट करना उनको तो वो लगता है जो एक एक किसी साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि कि हमारा साइकेट्रिस्ट का स्कूल का और समाज का काम है जीनियस बच्चों को साधारण बच्चे बनाना <laughs> <laughs> बहुत क्रांतिकारी ये <laughs> yeah. तो हम साधारण बच्चे क्यों बनाए जीनियस को हर बच्चा एक जीनियस बच्चा है ना रजनीश भी कहते थे ना जो कमल का फूल बनना चाहता है उसको कमल का बनने दीजिए दी। उसकी अपनी खूबसूरती है कमल को आप गुलाब बनाने में लगे हो गुलाब को आप जूही बनाने में लगे हो है ना अभी जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं जब आप उन्हें देखते हैं तो क्या लगता है उन्हें देख करके क्योंकि आपने उन्हें मतलब बहुत सारों को तो पढ़ाया भी होगा मेरे ख्याल से और कुछ के साथ आप अभी काम भी करते होंगे वो आपके साथ वो एक्टर्स हैं तो एक्टिंग का भविष्य अभी आपको किधर दिख रहा है मुझे लगता है कि बहुत ही समझदारी से काम करते हैं अभी आजकल के सारे एक्टर्स जो हैं और बहुत मेहनती हैं और अपना उनका एक, एक विचार है तो वो वो क्या है ज़्यादा लाइफ को लेकर रियलिस्टिक हैं इस वजह से उनके काम में भी रियलिज्म आता है हम लोग लाइफ को लेकर ज़्यादा रोमांटिक थे तो वो काम में एक अलग रोमांटिसिज्म दिखाई देता था तो वो दोनों चीज़ों का एक अच्छा बैलेंस चाहिए आपके काम में एक रोमांटिसिज्म भी होना चाहिए और एक रियलिज्म भी होना चाहिए तो अभी के जो इतने जो एक्टर्स हैं या यंग लोगों को देखता हूँ उनमें रियलिज्म ज़्यादा है रोमांटिसिज्म कम है और हमारी पीढ़ी में रोमेंटिसिज्म ज़्यादा था रियलिज्म कम था अगर इन दोनों का सामंजस्य बन जाए तो एक अच्छा काम आएगा सामने आदिल हुसैन जी जब आए थे तो राइटिंग को लेकर के हमारी काफ़ी उनसे बातचीत हुई जिस तरीके की फिल्में लिखी जा रही हैं तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा जो अभी लैक उन्हें दिखता है जिसमें काम होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि राइटिंग में अभी कुछ प्रयोग करने की जरूरत है तो सबसे पहले तो जो पूरी एक सिनेमा की पूरी फिल्म जो हमारे सामने आ रही है उसकी प्रोसेस में सारी चीजों के अपने अपने उसमें इम्पोर्टेंस है सबकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है तो अभी के टाइम पे राइटर्स को अगर देखा जाए तो राइटर्स कभी मुहिम चलाते हैं कि क्रेडिट दे दो यार की मुहिम हमने देखी चलाई राइटर्स ने आ, क्या लगता है कि राइटिंग को लेकर और सिर्फ वही नहीं बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी राइटिंग पे थोड़ा सा काम करने की हमें जरूरत है तो क्या इस पर आपका क्या सोचना है कि मेरा ये सोचना है कि राइटिंग पे काम होना शुरू हो चुका है और हुआ है उसी वजह से इतना बदलाव आया है जो बीच पहले भी बहुत अच्छा राइटिंग पे काम हुआ है ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं हुआ है लेकिन बीच में कुछ ऐसा दौर आया था जो जिसमें कम हुआ था काम ऐसा लगता है ये मेरा एनालिसिस है कोई थियोरटिकल इसमें कोई अगर कोई इसमें पी कर रहा हो तो वो अलग राय दे तो अलग बात है <laughs> लेकिन, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब बहुत राइटिंग में बहुत अच्छा काम हुआ था हमारी फिल्मों में भी सीरियल्स में भी और उसका रीज़न एक तो बहुत अच्छे लोग थे और वो साहित्य से जुड़े हुए लोग थे और साहित्य पे भी बहुत काम है साहित्यिक कृतियों पे भी बहुत सारे सीरियल्स भी बने फिल्में भी बनी लेकिन बीच में आते आते कुछ मतलब नब्बे के दशक और दो दस तक कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ उसके बाद से फिर से मुझे लगता है कि काम हुआ है तो मैं उसको निराशावाद में नहीं देखता हूँ मुझे यूँ लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और नए राइटर्स भी आए हैं और अच्छे तरीके से नए नए सब्जेक्ट्स को डील करना बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो अनछुए अं थे उनको भी टच करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो कमर्शियल बंधन है उनके दायरे में रहते हुए और उनको तोड़ते हुए दोनों कोशिश तो हो रही है तो मैं इतना ज्यादा इस बात को लेकर ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है बहुत सारा काम अभी देखेंगे आप कितनी फिल्में हैं कितनी सारी चीजें हुई जिनमें हुआ है विस्तार तो हुआ है इतने सारे ओ टी कितना ऐसे खुला है ना ज्यादा फैला है लेकर के आप हर इतने सारे प्लेटफॉर्म हर जगह ओ की वजह से चाहे फिल्मों में भी कितने नए नए सब्जेक्ट्स आए और फिल्में जो महानगरों से उठ के छोटे शहरों में चली गई हुआ ना बरेली है ना लखनऊ जयपुर कानपुर ऐसी जगह की कहानियां फिल्मों में मनने लगी हीरो दर्जी भी हो सकता है हीरो हलवाई भी हो सकता है सब हो है ना हीरो हीरो की परिभाषा तो बदली है ना जो न्यू इंडिया इन स्मॉल टाउन वाली बात है वो फिल्मों में दिखाई दी है ना एस्पिरेशंस ऑफ स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया एंड नई उभरते हुए मिडिल क्लास की भी चीजें क्योंकि एक, एक जमाना था जब समाजवाद का जमाना है या वो भी है तब तब हीरो कुली भी होता था तांगे वाला भी होता था लेकिन एक बाद में रहे ही नहीं हीरो के पास हेलीकॉप्टर होने लगा आना, तो वो तो कम से कम हेलीकॉप्टर से अब कम से कम दर्जी की दुकान तक तो आया है स्कूटर तो चला रहा है और इसी वजह से हमारे जैसे एक्टर्स को काम भी मिला क्योंकि महज सिंगानिया तो लगता नहीं हलवाई का बाप लग सकता हूँ आप समझ रहे हो तो ये तो ये एक अलग तरह का विद्रोह है जो बच्चन साहब ने किया या सलीम जावेद ने जो लिखा सेवेंटीज में जब जब एक तरह से क्या कहना कि जो नेहरूवियन विजन ऑफ इंडिया था ना जो थोड़ा टूटता हुआ दिखाई दिया तो एक विद्रोह खड़ा हुआ ना लोगों में કે ક્યુ પૈસે ઉઠાને બંધ કીય લોગોને ના ઓર ઉસકો એક ગરિમા મિલી ચાહે બચ્ચન સાહેબ કે થ્રુ કમર્શિયલ ફિલ્મો કે થ્રુ મિલી તો વો ધીરે 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 વાપસ ફેર વહી હો ગયા થા ફેર અમીરો કે પાસી કહાની ચાલી ગઈ તો વો મતલબ પહેલે અમીર મતલબ વિલન હોતા થા બાદ મે અમીર મતલબ હીરો હો ગયા ભાઈ ના विलन है क्योंकि उसके पास अनाप सुनाप पैसा आ रहा है या, या, या विलेन और विलन भी तो बदलते हुए देखो ना हर जमाने में विलेन कितने बदले हैं ना कि पहले साहूकार होते थे या कोई सामंत होते थे अन्न नवाब होते थे या कोई ठग थक, ठाकुर साहब होते थे कोई वो धीरे धीरे बदलते फिर फिर अंडरवर्ल्ड वाले होने लगे फिर अंडरवर्ल्ड भी ख़त्म हो गया <laughs> तो अलग तरह के विलेन आ गए फिर आतंकवादी भी विलेन आ गए और अब असली जमाना तो ये है जब हम विलेन है हम हीरो तो। कुछ -कुछ अच्छा। मतलब <laughs> लेकिन जितना बता सकते हैं ना तो ऐसे कुछ कुछ किया है बहुत ज्यादा नहीं मैं खुद चाहता हूँ मैं बोर हो गया हूँ अपनी से सच में क्योंकि अच्छा चरित्र प्ले करना है ना <laughs> बड़ा बोरिंग होता है एक्टर के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है अच्छा हाँ, पंडित प्ले करना है ना एक्टर के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है कैसे क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है लोग कहेंगे क्या इतना पागल है यार इतना क्या आदर्शवादी हो जाता है रियलिस्टिक ही नहीं लगता लोगों को आज बेईमान जमाने में कहा रियलिस्टिक लगेगा ये है ना बचा सकता है अपने बेटे को ये क्या को ये केस लड़ रहा है क्यों गुंडों से भिड़ा पड़ा है है ना वो बोरिंग करेक्टर है उसको बनाना कन्विंसिंग बनाना ज्यादा टफ काम है बजाय ये कि मैं विलेन हो जाऊं तो एक मिनट में लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ ऐसे होते हैं <laughs> क्योंकि ये एक सामूहिक विचारधारा है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है तो वो है तो ये प्ले करना बड़ा बोरिंग है ना मुश्किल है मुश्किल भी है बोरिंग भी है राम प्ले करना ज्यादा बोरिंग काम है कृष्ण से ना मर्यादा हाँ तो वो एक अलग है ना तो त्रेता युग से द्वापर युग में आए कलयुग में आना यार <laughs> <laughs> अच्छा कोई ऐसे रोल जिनको लेकर के करने के बाद मलाल रहा कि यार नहीं करना चाहिए था यार मजा नहीं आया है ऐसे कुछ <laughs> लेकिन उनका क्या नाम लू है कर लिए कहीं कर कर हालांकि पूरी ईमानदारी से किए कोशिश पूरी यही थी कि जो भी मिला है उसको अच्छा अंजाम दिया जाए जितना अपनी बेस्ट एबिलिटी को यूज़ करते हुए स्किल्स को यूज़ करते हुए हैक्स को यूज़ करते हुए कि दिल नहीं कर रहा तो हैक काम करना आएंगे ना तो एक्टिंग के अलावा कविताएं और फिर जब इनसे फुर्सत मिल गई फिर कैसा दिन होता है आपका एक्टिंग के अलावा कविताएं मतलब और बांसुरी थोड़ा बहुत और इसके अलावा मैं कुछ साइंस टाइप का चीज़ों में मुझे बड़ा मज़ा आता है कुछ चीज़ बना लिया कुछ चीज़ तोड़ दी कुछ भी वो करता रहता हूँ और शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहता हूँ अच्छा आ, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है थिएटर टॉकीज थिएटर टॉकीज यूट्यूब पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें हाँ। <laughs> <laughs> ठीक <laughs> <laughs> तो उसमें मैंने करीब सात शॉर्ट फिल्म बनाई पिछले पांच सालों में अपने छोटे से लेवल पे ही और फिर मुझे मैं आजकल दविनची में करता हूँ अच्छा। मेरे पास दविनची का बिल्कुल वो वाला वर्जन है बिकॉज हाँ। मैंने वो ब्लैक मैजिक कैमरा खरीदा तो उसके साथ मेरे को वो पूरा फाइनल स्टूडियो वर्जन मिल गया उसके साथ तो करता हूँ प्रीमियर में करता था एफ में करता था अच्छा ये सब भी आता है आपको एडिटिंग कर रहा हूँ कट टू कट जमाने से क्या बात कर रहे हैं मैं मोस्ट डायरेक्ट करता था तब मैं एडिटर को समझाने मुझे इतना टाइम लगता था तो धीरे धीरे मैंने कहा भाटो साइड में यार करके मैंने कट टू कट में शुरू किया एडिटिंग तो मैं खाली एडिट सारा मैं कर देता था करके और मास्टरिंग करवाता था खाली एक वक्त आया ऐसा उसके बाद से मुझे शौक हुआ तो मैं नई चीजें सीखने में लगा रहता हूँ तो एडिटिंग मेरा एक बड़ा अच्छा शौक है तो मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं मतलब सिने किट है पूरा लेंसेज का पूरा तो कुछ 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 बनाता रहता हूँ कुछ शूट करता रहता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री तो मैं पिछले चार साल से शूट कर रहा हूँ मयूर विहार में बंदरों पे अच्छा तो मयूर विहार में बंदरों और इंसानों के बीच का जो भी जो भी है लड़ाई झगड़ा उसको ऑलमोस्ट फोर इयर्स से मेरे पास आठ दस घंटे की फुटेज होगी तो वो उस पर एक इंटरेस्टिंग कहानी बना के कर रहा है मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों का तो ये भी वक्त तो मतलब वक्त मिल जाता है आपको जब भी वक्त मिलता है जब वक्त है। जब भी वक्त मिलता तो है अभी... इसके अलावा अभी एक नया शगल मेरे को एस्ट्रो फोटोग्राफी का हुआ है तो मैंने एक बड़ी टेलीस्कोप खरीदी है क्या हुआ और और उसमें कैमरा लगा के मैं कुछ अगर सेटन के रिंग पकड़ पाऊँ या जुपिटर का रेड स्पॉट भी पकड़ पाऊँ या जुपिटर के एक आध प्लेनेट जो प्लेनेट पकड़ में आ जाए यूरोपा वगैरह तो ऐसा कुछ कुछ किया है मून चांद पे चाहे तो चांद के कुछ खड्डे पकड़े हैं तो ऐसा कुछ कुछ वो एस्ट्रो फोटोग्राफी सीख रहा हूँ थोड़ी धीरे धीरे अभी आजकल एक कॉम्बिनेशन चल रहा है बहुत साइंस और लिटरेचर का पहुँचा है अब तक ये पाकिस्तान के एक राइटर हैं शोब मुगीरा उनकी एक नज्म है रायगानी तो उसमें वो पूरी साइंस से जोड़ते हुए अपनी प्रेमिका के जाने की बात को बताते हैं तो कुछ ये भी प्रयोग चल रहे हैं कि साइंस को जोड़ करके लिटरेचर तो ये बहुत कम वैसे होता है दोनों चीज़ों को अलग अलग धारा माना जाता है लिटरेचर को बोला जाता तो है अरे तो साहित्यिक टाइप व्यक्ति हैं विज्ञान वाले नहीं हैं लेकिन ये सुन करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपकी नहीं तो मेरे को वही है मेरे मैं सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है मुझे हर सब्जेक्ट मुझे लगता है कि सब सब्जेक्ट जुड़े हुए भी हैं क्योंकि एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी जो फिर बोल देता हूँ फिर वो ये एक, और एक, एक दे देता हूँ कि क्या है कि मैं आई एम नॉट आई डोंट एम फॉर नॉलेज आई एम फॉर क्लैरिटी तो ज्ञान नहीं इकट्ठा कर रहा मैं स्पष्टता ढूंढ रहा हूं तो उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ना पड़ा, बड़ा जरूरी है ज्ञान तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में भरा पड़ा है ये सब ना हम ऐसे ऊपर लिख करके चलाएंगे <laughs> <laughs> जो आप ये फॉर्मूले दे रहे हैं मैं पहले ही बता दूं <laughs> तो, तो चंक जाएगा हमारे यहाँ एकदम तो ऐसे ये थ्योरी ऐसे बीच <laughs> में वो साइंस वाला है ना हमारे को मुझे मैं बचपन में ही कहता था जो बड़ा जिसको कहना कि ये दुस्साहस है ऑडेसिटी ऑफ अ चाइल्ड सोचिए आप कि मैं बचपन में कहता था कि आई वॉन्ट टू फाइंड इक्वल टू एम सी स्क्वायर ऑफ आर्ट क्या बात? <laughs> <laughs> ये बचपन में बोलता था ये था। तो ये वाले पागलपना है तो मेरी चीजों में भी वो दिखाई देता है मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ और शायद फिल्मों में भी मेरा वही हुआ क्योंकि मैंने सारी फिल्में प्रोजेक्टर रूम में बैठ के देखी हाँ जिससे मैं वो जो पर्दे में जादू क्रिएट हो रहा है वो भी देख रहा हूँ लेकिन द साइंस बिहाइंड आर्ट भी देख रहा हूँ कि रील कैसे चढ़ाई जा रही है क्या गर्मी है क्या बदबू है क्या खुशबू है और जो मुझे पर्दा भी दिख रहा है उसके उस तैयारी तो उस, उस है वो बचपन का ओरिएंटेशन बना है तो आज भी शूटिंग में रहता हूं तो मैं कभी कैमरामैन के पास बैठा रहूंगा जो डीओपी है उनसे चार सवाल कर लूंगा या जो उंड रिकॉर्ड सिस्टम से चार सवाल कर लूंगा जिज्ञासा है मतलब हाँ अभी भी मेरे को जानना है हर चीज वो जिज्ञास बालक वाली चीज है उसको जिंदा रखना चाहता हूँ और ऐसे ही जोड़ता रहता हूँ क्योंकि नॉलेज कौन ढूंढ रहा हैं तो क्लैरिटी ढूंढ रही तो अभी काम तो आ रहा है मतलब मेरे हिसाब से काम से संतुष्ट काम जैसे काम जो आपको मिल रहा है नहीं काम से संतुष्ट तो क्या कहें मतलब काम जो आ रहा है उसको मैं अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ बस खुशी की बात इतनी है कि हाँ लोग याद कर रहे हैं अब वो कौन सा काम एक अच्छा काम बन पाता है कौन सा काम अच्छा नहीं बन पाता है वो कोई भी नहीं जानता है ना तो मेरा कंपैरिजन ये नहीं हो रहा था कि ये वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है मेरा कंपैरिजन ये कि मुझे जो मिले मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ अगर वो अच्छे से कर पाऊंगा तो उससे बेहतर ज़रूर ऑफर होगा मुझे तो अभी के जहाँ पर आप जिस उसमें हैं स्थिति में यहाँ के क्या आगे के क्या एम्बिशन हैं अगर आप सोचते हैं कि यार अब क्या करना है मतलब कुछ एक्टिंग तो कर रहे हैं हम अच्छी सीरीज नहीं तो नहीं अभी तो एक्टिंग का काम शुरू हुआ है मेरा यार अच्छा। <laughs> अभी तो एक्टिंग के करियर में बच्चा हूँ तो अभी तो एक्टिंग का बहुत कुछ करना बाकी है कोई बायोग्राफी वगैरह की आपने नहीं की बायोग्राफी नहीं की एक दो रियल लाइफ करेक्टर किए हैं हम बट वो भी कमिट नहीं किए गए ऐसे रियल लाइफ कैरेक्टर से ना तो उनको पूरा कॉपी भी नहीं किया और वैसे किया करना चाहते हैं एक बायोग्राफी करना चाहता हूँ लेकिन उसके साथ साथ ये मैं कहना छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि मुझे कोई उसमें कास्ट नहीं करेगा उस बायोग्राफी में अगर मैं वो बायोग्राफी बनाऊं तो भी मैं खुद को कास्ट नहीं करूंगा उस रोल के लिए लेकिन मैं करना चाहता हूं अब ये दोनों विरोधाभासी बात है लेकिन एक साथ है कि मैं किशोर कुमार की बायोग्राफी करना चाहता हूं लेकिन मुझे कभी कोई कास्ट नहीं करेगा मैं खुद बनाऊं तो खुद को कास्ट नहीं करूंगा दूसरे को क्या दोष दूं लेकिन वो मुझे इतने अजीज लगते हैं मुझे इतना लगता है कि जैसे वो अगर चार्ली चैपलिन का कोई जवाब है ना कॉमेडी के लिए नहीं कह रहा हूं एक संपूर्ण आर्टिस्ट होने के नाते वो किशोर कुमार से बड़ा कोई नहीं है हमारे पास जवाब जो एक्टर थे राइटर थे म्यूजिक कंपोजर थे सिंगर तो कितने कमाल के थे लिरिसिस थे हर चीज करते थे मधुबालास शादी की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला शादी <laughs> ऐसे ही मैं कर रहा हूँ तो वो बहुत ही एक तो किशोर कुमार गाना गाते हैं आप किशोर कुमार बात नहीं। गाना वाना मत नहीं, गाते हैं, वैसे आप गाते हैं नहीं गाना तो कौन नहीं गाता है गाना तो सभी, गाने था। गाना था। तो... सभी गाते हैं या कोई चरित्र ऐसा बनाने की इच्छा है मेरी क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो कोई देगा नहीं तो मुझे लगता है ऐसा कोई चरित्र लिखा जाए या खुद ही लिखूं जिसमें किशोर कुमार भी हो और गुरुदत्त भी हो उन दोनों को मिला के कुछ हो तो शायद मुझसे कुछ मेल खाता हो अंदर मेरे मन से क्योंकि दो लोग बहुत प्रभावित किए मुझे बच्चन साहब ने तो एक स्टार और एक्टर के तौर पर प्रभावित किया ना इन लोगों की पता नहीं कुछ आत्मा ने छुआ मुझे इनके काम की आत्मा इनकी आत्मा तो उनसे मिला मुलाकात कभी नहीं हुई होता है ऐसा कि लगता है जैसे कुछ ये वो कह रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ अच्छा आप जिनको ऐसे पसंद करते हैं बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं या कोई ऐसी चीज है जो बहुत पसंद करता है आप उनसे मिलना चाहते हैं मतलब आप वैसी सोच के हैं कि मिलूं या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं मतलब इनसे नहीं मिल पाएंगे या वो चीज जो है एक फ्रेम वो छंद टूट ना जाए ना हाँ। वो कई बार टूट जाता है टूट जाता है ना आप किसी तो से बहुत उन्होंने बुरा व्यवहार कर दिया आपके साथ या उस दिन उनका मूड खराब था तो आपको बड़ा दुख होता है तो वो रहने दें ऐसा, ऐसा कुछ प्रेम वैसे है जो छत पे ही रहने चाहिए दूर दूर छत और खिड़की पे रहने चाहिए उनसे शादी नहीं की जाते <laughs> तो बातें तो बहुत सारी करनी है लेकिन अब मैं आखिरी आपसे जो फिलहाल आज की बातचीत में जो बात करना चाहता हूँ प्रेम को कैसे देखता है फिर कोई फंडा तो मुझे लगता है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं जान पाया है और कोई जान भी नहीं पाएगा और जिस दिन जान पाया ना उस दिन सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ समझ में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों चीजें समान है क्योंकि कोई दो चीज हैं जिनके मिलने से प्रकृति बनती है तो अगर वो कोई फोर्स है जिस फोर्स को हम ढूंढ नहीं पाए हैं जो फोर्क हमारी बेसिक फोर्सेज कहते हैं ना उसके अलावा जो फिफ्थ फोर्स अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं चाहे स्ट्रिंग थ्योरी हो और बहुत सारी थ्योरीज के बाद भी वो फिफ्थ फोर्स अगर कोई है ना तो वो वो फोर्स और प्यार समान होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार इतने बड़े बड़े संत महात्मा इतने बड़े बड़े शायर नहीं समझने पे लिख के गए तो जो आमतौर पे प्रेम पे बात कर रहे होते हैं वो प्रेम पे बात नहीं कर रहे होते हैं रिश्तों की बात कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर झगड़े लड़ाइया रिश्तों के हैं प्रेम के नहीं प्रेम में तो कोई झगड़ा ही नहीं है प्रेम तो निर्माण है अभी पता नहीं फंडा <laughs> ज्यादा नहीं मतलब

ये एक्टिंग एक्टिंग ठीक ठीक है है इससे फालतू इसकी <laughs> तो राजेश जी बहुत सारी हमने बातें की हमने थिएटर सिनेमा एक्टिंग राइटिंग कवि के तौर पर जाना आपको और बहुत सारे पहलुओं को जाना समझा मैंने और काफी अच्छा लगा उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बातचीत नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे मजा आया बात करके और बस मुझे डर यही है कि मैंने जो ये बातें की हैं उनमें कोई तारतम्यता मिले लोगों को आपको और कुछ उसमें सार्थकता भी हो तो खुशी होगी मुझे बाकी मुझे पता नहीं है सारे सवाल है मेरे दिमाग में जवाब कोई भी नहीं है क्लैरिटी के लिए तो दो चीजें आपने अभी मुझे छोड़ दी हैं डर और सार्थकता जिससे अभी हमारी बात नहीं है <laughs> कभी और <laughs> <laughs> जब हम उम्मीद करते हैं हम मिलेंगे। हमारा क्या है ऐसा है ना मुझे लगता है कि जीवन है ना शास्त्रीय शास्त्री संगीत की तरह है जिन्हें की कला शास्त्रीय संगीत की तरह कि कुछ नियम है उसके राग के उसके बाद सारा इम्प्रोवाइजेशन है नुँ। 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 आरो, अवरो है ना उसके आरोह अवरोह है वादी सर है संवादी सर है वर्जित स्वर है है ना और ना उसके बाद सारा इम्प्रोवाइजेशन है वो चलता रहता है वो उसी पे हम राग पे खेल रहे तो ये शायद हमारी बातचीत भी एक राग ही कुछ नियमों के तहत हमने एक राग को करने की कोशिश की हो सकता है सुधीजन को रसा स्वादन आया हो <laughs> <laughs> तो अभी अल्पविराम लगाते हैं और डर और सार्थकता पे बात अगले चरण अगले चरण <laughs> <चली। laughs> तो प्लीज आप एक तरफ एक बार कैमरे की तरफ देखते हुए जस्ट अनस्क्रिप्टेड में आने का अपना अनुभव मेरे साथ बात करने का आपका अनुभव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की एक छोटी सी अपील करेंगे तो हमें बहुत अच्छा देखिए मैं एक चैनल चलाता हूँ देख टक टॉक उसको सब्सक्राइब करें तो यूट्यूब <laughs> <laughs> मैं मजाक कर रहा हूँ नहीं नहीं मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा था, था में आने का और इनका जो ये नया कार्यक्रम है उसका बिल्कुल शुरुआती हिस्सा बनने का क्योंकि ये लोग जो भी कार्यक्रम बनाते हैं वो अपने आप में एक ऐसे हो जाते हैं जिसमें सब आते हैं मैं बिल्कुल शुरुआत में आ गया तो इस बात की मुझे खुशी है और मुकुल से मेरी बातचीत कुछ दिनों से चल ही रही थी और वो होपफुली मुकुल को अच्छा लगा होगा मुझे तो अच्छा लगा और आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करें नीचे कहीं डिटेल में लिख देंगे ये बाकी जो भी ज़रूरत का सामान है और आप करिएगा आप देखते रहिए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> इतना समय आपने दिया Thank और काफ़ी समृद्ध किया आपने सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है मतलब ऐसे कई सारे मतलब सिर्फ चंक नहीं दिए कई पॉइंट दे दिए जिन पर मैं ऐसे सोचूंगा तो मतलब मैं तो सोचूंगा, ऑडियंस भी हमारी समझदार है सोचेगी हाँ बिल्कुल उम्मीद है मुझे सोचेगी मतलब सोचना बहुत जरूरी है तो मेरे हिसाब से चाय अगर और हो जाए चाय बिल्कुल पियेगी लेकिन कैमरे के सामने नहीं, नहीं, पीछे नहीं। बस तो अब खत्म है